गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या सब मुझे सुन पा रहे? क्या सब नालक मुझे सुन पा रहे? क्या गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या सब लोग मुझे सुन पा रहे? सबको मेरा आवाज आ रही है? चले, खाना हो गया सबका? सब एकदम फ्रेश, एकदम तैयार है पढ़ने के लिए, फुल जोश में? गुड नाइट नहीं बोलना, लाइक गुड नाइट नहीं बोले क्या? गुड नाइट नहीं बोले क्या? सोने जाना है अपने को, पढ़ना है अपने को, पढ़ना है। बस दो घंटा और, दो घंटा और मेहनत करना है, मेहनत करना अपने को, और एफर्ट लेंगे हम, और एफर्ट लेंगे। यस बेटा जी, मेरा खाना हो गया, मेरा खाना हो गया बेटा जी। आयो बेटा, आपने भी खाया होगा, बस ज्यादा नहीं खाने का, कुछ दिनों की बात है। यस, और सुनो बेटा जी, पहले सेटिंग बता रहा हूं, कल का जो टॉपिक रह गया था कैपिटल स्ट्रक्चर, वो मैं आज के सेशन के एंड में कराऊंगा। तो चिल मारो बेटा, मैथ सबसे पहले वर्किंग बेटा कैपिटल करा रहा हूं, और वर्किंग कैपिटल होने के बाद में सबसे एंड में मैं करा के दूंगा कैपिटल स्ट्रक्चर करा के दूंगा। ओके, एकदम आराम से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है भाई साहब? चलिए शुरू करते हैं। चलो लेट अस स्टार्ट। चलो बच्चों, अब बच्चों देखना, बच्चों देखिए, मैंने अभी यहाँ पे बच्चों यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, अब मैं शुरू कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, अब शुरू कर रहा हूँ, अब नाला स्टार्ट करते हैं। ढंटा डायन, अब आपके सामने बच्चों पेश है चैप्टर वर्किंग कैपिटल, एकदम मस्त बेटा मक्खन चैप्टर, एकदम बच्चों मस्त बेटा जी मक्खन चैप्टर। बच्चा लोग लेट अस स्टार्ट द चैप्टर वर्किंग कैपिटल। अब देखो चैप्टर क्या होता है, प्लीज फोकस करेंगे, सब लोग फोकस करेंगे, बच्चा फोकस करेंगे चैप्टर के ऊपर। ओके, पहले बताओ व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, मुझे बताओ व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। बच्चों सिंपल बेटा भाषा में बोलूंगा, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में जो पैसा आपको लगता है, ओके, बिजनेस के बेटा डे टू डे ऑपरेशन में, ओके, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में जो पैसा हमको लगता है, दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में जो पैसा, तो वर्किंग कैपिटल है। दूसरे बच्चों भाषा में बोलूंगा, वर्किंग कैपिटल नथिंग बट द, इट इज अ कैपिटल व्हिच इज रिक्वायर्ड टू फाइनेंस द करंट एसेट। अरे बिजनेस में करंट एसेट को फाइनेंस करने के लिए जो पैसा लगता है, भाई साहब बिजनेस में आपको स्टॉक लगता है, पर जो बिजनेस में बेटा जी आपको कैश लगता है बेटा जी, ये सारे करंट एसेट को फाइनेंस करने के लिए जो पैसा लगता है वो करे वर्किंग कैपिटल है। ओके भाई साहब, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में जो पैसा था वर्किंग कैपिटल है। अगर बच्चों में उसका फॉर्मूला बच्चों बताऊंगा, कुछ लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट द करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। व्हाट इज बच्चों वर्किंग कैपिटल? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ये अपना वर्किंग कैपिटल है। ओके भाई साहब, अब चलिए इसके ऊपर हम लोग कंसेप्ट शुरू करते बेटा, कंसेप्ट शुरू करते बेटा जी हम लोग। यस, अब देखो बच्चों, अब बच्चों चैप्टर में देखे सबसे पहले बेटा अपना कंसेप्ट है, कंसेप्ट है अपना करंट एसेट और बेटा जी करंट लाइबिलिटी। इस कंसेप्ट के ऊपर पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आया था, किंग को करंट एसेट बोलते हैं, बट आप सबको बेसिक तो पता है, ऐसे एसेट जिनसे 12 महीने के अंदर पैसा मिलेगा, ऐसे एसेट जिनसे 12 महीने के अंदर पैसा मिलेगा वो हमारे कौन है? करंट एसेट है। और ऐसे एसेट जिनको 12 महीने के अंदर पैसा पे, सॉरी, ऐसे एसेट जिनको 12 महीने के बाद जिनसे पैसा मिलेगा वो फिक्स एसेट है। मैं दोबारा बता रहा हूं, ऐसे एसेट जिनसे 12 महीने के अंदर पैसा मिलेगा वो करंट एसेट है, ऐसे एसेट जिनसे 12 महीने के बाद में पैसा मिलेगा वो कौन है? फिक्स एसेट है। लेकिन भाई साहब इस वर्किंग कैपिटल चैप्टर में करंट एसेट में कुछ और भी बातें इंक्लूड की गई जिसपे एग्जाम क्वेश्चन आता है। तो व्हाट इज करंट एसेट? एक तो क्लियर है, ऐसे एसेट जिनसे 12 महीने में पैसा रियलाइज हो रहा है, जिनसे बच्चों 12 महीने के अंदर पैसा रियलाइज हो रहा है वो तो करंट एसेट है। ओके, जिनसे बच्चों देखो
मैं दोबारा बता रहा सॉरी, ऐसे एसेट जिनसे 12 महीने के अंदर पैसा मिल रहा है, ऐसे एसेट जिनसे 12 महीने के अंदर पैसा मिल रहा है वो तो करंट एसेट है। उसके बेटा अलावा बच्चों देखिए, ऐसे एसेट जो बिजनेस के ऑपरेटिंग साइकिल में, बिजनेस के ऑपरेटिंग साइकिल में, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में जो एसेट आपने बेचने के लिए, जो कंज्यूम करने के लिए रखा है वो भी करंट एसेट है। मतलब क्या बच्चों, अगर आपने कोई बिल्डिंग ली है, बिल्डिंग बेटा आपके लिए क्या है, फिक्स एसेट है। बिल्डिंग क्यों लिया, लॉन्ग टर्म के लिए। बट बिल्डर के लिए बिल्डिंग क्या है, करंट एसेट है। बिल्डर ने बिल्डिंग क्यों रखा है, बेचने के लिए। तो ऐसा एसेट जो बिजनेस के ऑपरेटिंग साइकिल में बेचने के लिए रखा है, जो कंज्यूम करने के लिए रखा है, वो भी कौन है, करंट एसेट है। नेक्स्ट बच्चों देखो, जो वो जो बिजनेस में क्या है, ट्रेडिंग पर्पस के लिए, जो ट्रेडिंग पर्पस मतलब क्या, अगेन बेचने के लिए रखा है, वो भी कौन है, करंट एसेट है। और लास्ट पॉइंट क्या बता रहा है, करंट एसेट में सिर्फ कैश और कैश इक्विवेलेंट इतना नहीं आता है, करंट एसेट में और भी आता है, उसमें स्टॉक भी आता है, उसमें डेटर्स भी आता है, बिल रिसीवेबल भी आता है, इसमें बहुत कुछ बातें आती है बेटा जी। सबको झेपा नाला है करंट एसेट क्या है, जिनसे 12 महीने के अंदर पैसा मिलेगा वो तो करंट एसेट है। बिजनेस के ऑपरेटिंग साइकिल में कंज्यूम करने के लिए, सेल करने के लिए जो रखा वो भी करंट एसेट है। जो ट्रेडिंग के लिए रखा बच्चों, वो बच्चों को करंट एसेट है। ओके भाई साहब। और सबसे बच्चों लास्ट में, इसमें सिर्फ कैश और कैश इक्विवेलेंट नहीं है, इसमें और भी बातें इसमें होती है। एकदम चिल मार के, एकदम चिल मार के बच्चा लोग। ओके, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, चलो आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। करंट एसेट के एग्जांपल देखिए, इन्वेंट्री मतलब क्या, स्टॉक है। फिर इन्वेंट्री में क्या आएगा, रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री आएगा, WIP आएगा और फिनिश गुड, ये बच्चों करंट, वो भी हमारे करंट एसेट है। रिसीवेबल, अकाउंट और रिसीवेबल जिनसे पैसा आने वाला है, डेटर्स या बिल रिसीवेबल, डेटर या बिल रिसीवेबल जिनसे बच्चों पैसा आने वाला है वो भी हमारे करंट एसेट है। साथ में बच्चों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये भी हमारा करंट एसेट है। और प्रीपेड एक्सपेंस, जो पैसा आपने ऑलरेडी बेटा पे किया है, जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो भी हमारे करंट एसेट है। एकदम आराम से चिल मार के, ये सभी बच्चों हमारे को करंट एसेट है। सबको झेपा नालायक, सबको झेपा नालायक, ये ऑल आर आवर करंट एसेट। अब देखो बच्चों करंट लाइबिलिटी क्या थे, अब देखो बच्चों करंट लाइबिलिटी क्या थे, सिंपल है। ऐसी लाइबिलिटी जो 12 महीने के अंदर पे करनी है, ऐसी लाइबिलिटी जो 12 महीने के अंदर पे करनी है, दैट इज कॉल्ड एज करंट लाइबिलिटी। ऐसी चीज जिसका पैसा 12 महीने के अंदर पे करना है, जो भाई साहब बिजनेस के ऑपरेटिंग साइकिल में, जो बेटा लाइबिलिटी बिजनेस के ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल करनी पड़ती है, या जो बच्चों ट्रेडिंग पर्पस के लिए आपको देना पड़ता है, वो सभी को करंट लाइबिलिटी। 12 महीने के अंदर देना होगा बोलो, या बिजनेस के ऑपरेटिंग साइकिल में देना होगा बोलो, या ट्रेडिंग के टाइम पे सेटल करना पड़ेगा, ऑल आर करंट लाइबिलिटी। उसमें दो बच्चों बातें होती है, बिल्स पेबल बेटा इसमें आता है, उसमें बिल्स पेबल भी आएगा और क्रेडिटर भी आएगा, और नेक्स्ट कौन आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये सभी बच्चों को ने हमारे, ये हमारे सभी हमारे को करंट लाइबिलिटी। ये सब आपको पता है यार, ये सब आपको पता है, आप इसमें एकदम मस्त हो, एक्सपर्ट आप इसके। देखो यार, किसी भी बिजनेस के लिए ये बहुत जरूरी है कि वर्किंग कैपिटल ऑप्टिमम होना चाहिए। सो ऑप्टिमम का मतलब क्या है, देखो भाई साहब, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में जो फंड लगता है वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा में। वर्किंग कैपिटल बच्चों कम रहा, वर्किंग कैपिटल कम रहा तो कंपनी अपने शॉर्ट टर्म ड्यूज पे नहीं कर पाएगी। बट वर्किंग कैपिटल कम रहा तो कंपनी अपने शॉर्ट टर्म ड्यूज पे नहीं कर पाएंगे, उसे बिजनेस इंपैक्ट आ सकता है। और वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा भी होना चाहिए कि जितना ज्यादा पैसा ब्लॉक होगा उतना इंटरेस्ट आपका छूटेगा। तो वर्किंग कैपिटल में कम पैसा भी इन्वेस्ट मत करो, इतना कम पैसा भी मत डालो कि आपका बिजनेस चलेगा नहीं, और वर्किंग कैपिटल में इतना भी पैसा मत डालो कि पैसा आपका ब्लॉक हो जाए जिससे आपका इंटरेस्ट आपका छूट जाए। तो देयर शुड बी ऑप्टिमम और बेस्ट वर्किंग कैपिटल। अब सवाल उठता है किसको बोलते बेस्ट वर्किंग कैपिटल। बच्चों वर्किंग कैपिटल बेस्ट वो होता है जब आपका करंट रेशियो क्या होता है, 2। व्हाट इज करंट रेशियो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अगर किसी भी कंपनी का करंट रेशियो 2 है और एसिड टेस्ट रेशियो मतलब क्या है,
क्विकर रेशियो अगर 1 है, करंट रेशियो अगर 2 है और एसिटेस रेशियो अगर 1 है, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम और बेस्ट वर्किंग कैपिटल। बता बच्चों, वर्किंग कैपिटल बच्चों ऑप्टिमम कब होता है? व्हेन करंट रेशियो इज 2 एंड क्विक रेशियो और एसिटेस रेशियो इज 1, इट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल। सबको झेपा नाला है, किसे बोलते ऑप्टिमम बोलते हैं, ये पता होना चाहिए जी। ऑप्टिमम बेटा वर्किंग कैपिटल दो कंडीशन है, करंट रेशियो बेटा 2 होना चाहिए और क्विक रेशियो या एसिटेस रेशियो 1 होना चाहिए, टू कंडीशन फॉर ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल। ओके भाई साहब, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? कैन आई मूव हेड? कैन आई मूव हेड? सबको झेपा नालक, सबको झेपा नालक, आगे बढ़ चलेगा। यस, नेक्स्ट देखो बच्चों, अब हम बच्चों पढ़ने वाले, अब बच्चों हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ वर्किंग, अब बच्चों हम पढ़ने वाले, अब हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब देखो बच्चों, वर्किंग कैपिटल के अलग अलग टाइप क्या होते हैं, ध्यान सुनना बच्चों, वर्किंग कैपिटल के बहुत सारे बच्चों टाइप होते हैं। देखो एक बेटा होता है, एक बच्चों होता है इनिशियल वर्किंग, बच्चों एक बेटा होता है इनिशियल वर्किंग कैपिटल, दूसरा बच्चों होता है रेगुलर बच्चों वर्किंग कैपिटल, तीसरा बच्चों होता है फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल, नेक्स्ट बच्चों होता है रिजर्व मार्जिन वर्किंग कैपिटल, नेक्स्ट होता है परमानेंट एंड टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, नेक्स्ट होता है लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल, नेक्स्ट होता है शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल, नेक्स्ट होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेक्स्ट होता है नेट वर्किंग कैपिटल। बाबा रे बाबा, इतने सारे टाइप है। अगर याद होगा बेटा जी, जब मैंने वर्किंग बेटा कैपिटल का जो थ्योरी बूस्टर लिया था बेटा, थ्योरी बेटा बूस्टर में ये कंसेप्ट मैंने बहुत डेप्थ में समझाया था। अब फटाफट हम डिस्कस करते हैं एक एक क्या होता है। बच्चों ये वर्किंग कैपिटल के ये जो टाइप है एकदम आईएमपी बच्चों टाइप है, इस पे फिक्स बेटा जी थ्योरी क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। देखो बच्चों, सबसे पहले बच्चों होता है इनिशियल वर्किंग कैपिटल, उसके लिए दो मिनट बेटा जी मैं थोड़ा बैठना चाहूंगा, चलेगा ना लाइक परमिशन आप लोगों की, जो थोड़ा सा बैठ के पढ़ाता हूं। ओके, बोर्ड नीचे गया, चलो ऊपर आ गया, ऊपर आ गया, ऊपर आ गया, मैं ऊपर आ गया। ओके, अब बच्चों देखो वर्किंग बच्चों कैपिटल देखिए बेटा जी, सबसे पहले बच्चों होता है, सबसे पहले बच्चों होता है इनिशियल वर्किंग कैपिटल, नाम में लिखा है इनिशियल वर्किंग कैपिटल। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे थक नहीं गया, थक नहीं गया बेटा जी, थक नहीं गया, और जोश है कोई दिक्कत बेटा जी, जब तक तुम लोग साथ में हो ना तब तक मेरा जोश बरकरार रहे। यस, एकदम हम फुल जोश में, एकदम फुल जोश में बेटा जी, फुल जोश में। ओके, अब बच्चों देखो व्हाट इज इनिशियल वर्किंग कैपिटल। सिंपल बात है बच्चों, बिजनेस शुरू करते वक्त जो कैपिटल लगता है या जो फंड लगता है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल वर्किंग कैपिटल, द कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड, कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। सर बिजनेस शुरू करते वक्त फंड क्यों लगता है? भाई साहब बिजनेस शुरू करते वक्त मान लो आपके बच्चों बिजनेस का बेटा इनकॉर्पोरेशन करना बच्चों, उसके लिए पैसा लगेगा बच्चों। बिजनेस के टाइम पे जो लीगल बेटा फीस देनी पड़ेगी उसके लिए पैसा लगेगा बेटा जी। स्टार्टिंग में बेटा कुछ ऑफिस में छोटा मोटा खर्चा करना ही पड़ेगा, हाया ना बच्चों। और बिजनेस के स्टार्टिंग में मार्केटिंग करना पड़ेगा, बिजनेस के स्टार्टिंग में जो मार्केटिंग करते वो हमारा कौन है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर है। तो बिजनेस शुरू करते वक्त, बिजनेस कमेंस करते वक्त जो भी खर्चा आते बच्चों, बिजनेस बच्चों कमेंस करते वक्त जो भी खर्चा आते, दे आर कॉल्ड एज इनिशियल वर्किंग कैपिटल। बिजनेस शुरू करते वक्त जो भी खर्चे आते ऑल आर कॉल्ड एज इनिशियल वर्किंग कैपिटल। एकदम चिल मार के भाई साहब, बिजनेस बेटा शुरू करते वक्त आपको सबसे पहले बेटा पैसा लगेगा इनकॉर्पोरेशन फीस का, फिर बच्चों अटर्नी फी मतलब क्या, सब लीगल फीस का पैसा लगेगा, फिर ऑफिस एक्सपेंस का बच्चों खर्चा लगेगा, फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, ये सभी खर्चे बिजनेस के शुरुआत में लगेंगे। ये सभी बच्चों हमारे कौन है? ऑल आर आवर इनिशियल वर्किंग कैपिटल। एकदम चिल मार के ये सब बच्चों हमारे कौन है? ये सभी हमारे इनिशियल वर्किंग कैपिटल है। ओके सर जी, नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या है, रेगुलर वर्किंग कैपिटल, नाम में लिखा है रेगुलर वर्किंग कैपिटल। बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में, बिजनेस के ऑपरेशन रेगुलर चलने के लिए,
बिजनेस के ऑपरेशन सक्सेसफुल रहने के लिए जो पैसा लगता है, बिजनेस के ऑपरेशन सक्सेसफुली चलने के लिए जो पैसा लगता है, दैट इज कॉल्ड एज रेगुलर वर्किंग कैपिटल। एकदम आराम से चिल मार के, बिजनेस का बच्चों ऑपरेशन सक्सेसफुली चलने के लिए जो पैसा लगता है, दैट इज कॉल्ड रेगुलर वर्किंग कैपिटल। ओके, उसमें क्या आता है? अरे सर जी, बिजनेस का ऑपरेशन स्मूथली चलने के लिए समय रॉ मटेरियल के लिए पैसा पे करना पड़ेगा सर। बिजनेस का ऑपरेशन स्मूथली चलने के लिए समय एम्प्लॉय की सैलरी पे करनी पड़ेगी सर, वेजेस पे करने पड़ेंगे, और सर कुछ अदर खर्चे होते सर, रेंट हमें पे करना पड़ेगा, लाइट बिल पे करना पड़ेगा। तो बिजनेस के ऑपरेशन स्मूथली चलने के लिए ये सभी खर्चे करने पड़ते, इन सभी खर्चों के लिए जो पैसा लगता है वो हमारा कौन है? रेगुलर वर्किंग कैपिटल। या सोनो बेटा जी, बिजनेस के ऑपरेशन स्मूथली चलने के लिए आपको रॉ मटेरियल, वेजेस, सैलरी, रेंट, इन सबके लिए बच्चों पैसा देना पड़ता है, और इन सबके लिए जो फंड लगता है, दैट इज कॉल्ड एज रेगुलर वर्किंग कैपिटल। एकदम चिल मार के, एकदम चिल मार के बेटा जी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आता है फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। नाम में लिखा है फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। अब बच्चों देखो, फ्लक्चुएटिंग इसका और एक बच्चों नाम होता है वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। ऐसा वर्किंग कैपिटल जो कभी कम ज्यादा होता है, कभी ज्यादा लगता है, कभी बच्चों कम, तो चेंज होता है बेटा, वो हमारे कौन है बच्चों? फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल, जो हमेशा बदलता रहता है बच्चों, वो होता है फ्लक्चुएटिंग होता है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों होता है रिजर्व मार्जिन वर्किंग कैपिटल। भाई साहब, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन के लिए, जो पैसा लगता है वो हमारा रेगुलर वर्किंग कैपिटल है। बट कभी कभी बच्चों क्या आता है, बिजनेस में कुछ कंटिंजेंसी आते, बिजनेस में कुछ बच्चों इमरजेंसी आते, उस इमरजेंसी के लिए कुछ फंड आपको निकाल के रखना पड़ेगा। अगर इमरजेंसी के लिए कुछ वर्किंग कैपिटल का फंड निकाल के रखा है, दैट इज कॉल्ड एज रिजर्व मार्जिन वर्किंग कैपिटल। ऐसा वर्किंग कैपिटल जो आपने कंटिंजेंसी के लिए या इमरजेंसी के लिए रखा है, वो कौन है? रिजर्व मार्जिन वर्किंग कैपिटल। मान लो बेटा जी, मान लो अचानक से बच्चों मार्केट में मटर के दाम बढ़ गए, इन्फ्लेशन हो गया, रॉ मटेरियल रेट बढ़ गए, क्या करोगे? पैसा ज्यादा लगने वाला है बेटा जी। मान लो बच्चों मार्केट में बेटा जी आपके प्रोडक्ट का सेल कम हो गया, बच्चों बेटा अचानक से क्या होता है, फ्लड आ गया, आग लग गई, नुकसान हो गया, आपको और फंड लगेगा, तो इन सभी बच्चों इमरजेंसी के लिए वर्किंग कैपिटल का जो पैसा साइड में निकाल कर रखना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं रिजर्व मार्जिन वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। एकदम आराम से चिल मार के, जब चलो इन सभी बच्चों इमरजेंसी के लिए जो फंड निकालते, उसे हम बोलते हैं रिजर्व मार्जिन वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है बच्चा लोग, एकदम आराम से चिल मार के। नेक्स्ट होता है बच्चों परमानेंट एंड टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। अब देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल, व्हाट इज टेम्पररी? बिजनेस में हमेशा जो फंड लगता है वो होता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, और जो अचानक से कभी तो लगता है वो क्या है? टेम्पररी। जैसे मान लो बच्चों, अगर बच्चों मैं इंस्पायर के बच्चों बात करूंगा, मुझे पता है इंस्पायर अकेडमी के लिए हर महीने रेंट देना ही पड़ेगा, हर महीने भाई साहब लाइट बिल पे करना ही पड़ेगा, हर महीने स्टाफ की सैलरी पे करनी पड़ेगी, तो हर महीने इतना फंड मुझे लगता चे, ये मेरा कौन है? परमानेंट वर्किंग है, मेरे कौन है बच्चों? परमानेंट वर्किंग कैपिटल है। और कभी कभी क्या होता है, अचानक से कुछ एडिशनल बेटा खर्चा आ जाते हैं जिससे और मुझे फंड लगता है, उसे बोलते हैं टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। ऐसा वर्किंग कैपिटल जो हमेशा लगेगा, आज भी लग रहा है, कल भी लगता है, या परसों भी, वो होता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल। और ऐसा वर्किंग कैपिटल जो कभी तो लगता है, उसे बोलते हैं टेम्पररी और फ्लक्चुएटिंग और वेरिएबल। इसका बच्चों नाम क्या आता है? टेम्पररी का बच्चों एक नाम क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग। उसी का बच्चों नाम क्या आता है? वेरिएबल वर्किंग कैपिटल नाम होता है बच्चों, क्योंकि कभी तो लगता है। नेक्स्ट होता है लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल। नाम में जो लिखा है लॉन्ग टर्म, ऐसा वर्किंग कैपिटल या ऐसा फंड जो लॉन्ग टर्म के लिए लगने वाला बच्चों, उसे बोलते लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल बच्चों। ओके, और शॉर्ट टर्म मतलब बच्चों क्या है? जो कम समय के लिए बच्चों लग रहा है, जो टेम्पररी, वो कौन है? शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल है। बाकी दिमाग मत लगाना बेटा जिसके ऊपर। लास्ट के दो टाइप बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। कुछ लोग बोलते कि भाई साहब वर्किंग कैपिटल सिर्फ करंट एसेट, बिजनेस में जो करंट एसेट है वर्किंग कैपिटल है।
अगर आप करंट एसेट को वर्किंग कैपिटल बोल रहे हो, अगर आप करंट एसेट को वर्किंग कैपिटल बोल रहे हो, वो होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और कुछ लोग बोलते हैं भाई साहब करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी लेस करो, करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी लेस करने के बाद में जो बचेगा वो होता है हमारा वर्किंग कैपिटल। अगर आप सी ए माइनस सी एल कर रहे हो तो उसे हम बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। झेपा क्या भाई साहब, अगर आपने करंट एसेट को वर्किंग कैपिटल बोला, अगर आपने करंट एसेट को वर्किंग कैपिटल बोला तो वो बच्चा हमारा क्या होता है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है। और अगर आपने CA माइनस CL को वर्किंग कैपिटल बोला उसे हम लोग बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। उसे बच्चों में क्या बोलते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच अभिषेक जी, थैंक यू सो मच। एंड आप सबका बेटा प्यार, आप सबका बच्चों रिस्पॉन्स, ये भी हमारा परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, उसे कोई छीन नहीं सकता बेटा जी। Yes, आपसे कड़ा प्यार है बेटा जी, वही हम रखेंगे। और क्या चाहिए टीचर को बेटा, क्या लगता है यार, हर रोज बेटा हमारे लिए, हर रोज पढ़ा बेटा हमारा काम है, तो यही तो बेटा ऑपरेशन बेटा हमारा है ना। और इस ऑपरेशन में जो बेटा हमको प्यार मिलता है यही तो हमारा परमानेंट वर्किंग कैपिटल है। यस एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट। थैंक यू सो मच बेटा जी, थैंक यू सो मच। यस, ये हमने क्या डिस्कस किया भाई साहब, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। अरे वर्किंग कैपिटल नो टाइप थे, नो टाइप सबको झेपा क्या, जो स्टार्टिंग में लगता है वो कौन है, इनिशियल वर्किंग कैपिटल है। बिजनेस के स्मूथली चलने के बच्चों लगता है वो कौन है बेटा हमारा, करंट मतलब कौन है बच्चों, करंट वर्किंग कैपिटल बच्चों। जो कभी लगता है वो कौन है, फ्लक्चुएटिंग या वेरिएबल लगता है बच्चों। जो लॉन्ग टर्म लगता है वो कौन है, परमानेंट लगता है। जो कम समय के लिए क्या आता है, शॉर्ट टर्म। करंट एसेट लिया तो क्या आता है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। सी ए माइनस सी एल बच्चों लिया तो बच्चों क्या होगा, नेट, क्या होता है, नेट वर्किंग कैपिटल। एकदम आराम से छिल मार के बच्चे, एकदम आराम से छिल मार के भाई साहब, सबको झेपा भाई साहब। ठीक है, आगे बढ़ो चलेगा बेटा। यस। अब देखो बच्चों नेक्स्ट हम आगे बढ़ते वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब तक हमने डिस्कस किया बच्चों वर्किंग कैपिटल क्या होता है, उसके अलग अलग टाइप क्या होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करना चाहिए। पहले उसके बच्चों समझ के बेटा जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। भाई साहब वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना, मान लो आप बेटा एक कंपनी के फाइनेंस ऑफिसर हो, मैंने बोला बच्चों आप मेरे कंपनी के फाइनेंस ऑफिसर हो, आपको वर्किंग कैपिटल मैनेज करना है। आप बोलते हो सर मतलब क्या काम करें, हम लोग क्या काम करें। बच्चों एज अ मैनेजर आपको पहले देखना पड़ेगा कि कंपनी में कितना वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना चाहिए, क्या इस कंपनी में सफिशिएंट एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल है क्या। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपनी में सफिशिएंट या एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल है क्या, ये चेक करेंगे। मैं दोबारा बता रहा बच्चों, वर्किंग कैपिटल बच्चों मैनेजमेंट में हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, कंपनी में सफिशिएंट या एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल है क्या, ये हम चेक करेंगे। ओके सर जी, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अरे भाई साहब वर्किंग कैपिटल के लिए फंड लगता है। एज ए मैनेजर आप चेक करोगे वर्किंग कैपिटल के लिए जो पैसा लगता है ये पैसा कहां से रेज करना चाहिए, हाउ टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल। बच्चों दोबारा बता रहा बच्चों में दोबारा बता रहा हूं कि भाई साहब वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना मतलब दो बातें होती हैं। एक तो सबसे पहले जो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी में कितना वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल लेवल कितना रखना चाहिए वो चेक करना पड़ेगा।
और दूसरा बच्चों चेक करना पड़ेगा इस वर्किंग कैपिटल के लिए फाइनेंस कहां से रेज करना चाहिए। अब इस पॉइंट पे आता हूं, ये बच्चों पॉइंट थोड़ा बाद में समझाता, पहले ये पॉइंट पर एक्सप्लेन करता हूं। बच्चों देखो मैंने बच्चों क्या बताया, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में दो बातें होते हैं। पहला बच्चों पॉइंट क्या होता है, कितना वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना चाहिए, कितना वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना चाहिए, या वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए उसके लिए तीन अप्रोच है। वर्किंग कैपिटल में कितना बच्चों पैसा बेटा इन्वेस्ट करना चाहिए उसके लिए बेटा तीन अप्रोच है। पहला बच्चों होता है एग्रेसिव अप्रोच, दूसरा होता है कंजर्वेटिव अप्रोच, और तीसरा होता है मॉडरेट अप्रोच। प्लीज फोकस करना जो बता रहा हूं। बच्चों आप मेरे कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हो, मैंने बोला बच्चों आप हमारे कंपनी की वर्किंग कैपिटल पॉलिसी बनाओ, आप मुझे बताओ मुझे वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। आप बोलते देखो, आप बोलते सर देखिए, देखिए सर जी तीन टाइप के सर अप्रोच होते हैं, सर तीन पॉलिसी होते हैं। एक होता है एग्रेसिव अप्रोच, दूसरा होता है कंजर्वेटिव अप्रोच, और तीसरा बच्चों होता है मॉडरेट अप्रोच। एग्रेसिव लोग क्या करते हैं, एग्रेसिव पॉलिसी क्या बोलते हैं, भाई साहब वर्किंग कैपिटल में कम से कम पैसा ब्लॉक करो। एग्रेसिव पॉलिसी क्या बोलते हैं कि भाई साहब वर्किंग कैपिटल में कम से कम पैसा ब्लॉक करो। जैसे सर वर्किंग कैपिटल क्या होता है, सर वर्किंग कैपिटल क्या होता है, सर उसमें डेटर्स होते हैं उसमें सर और क्या होता है, डेटर्स होते हैं, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट ना बेटा, डेटर्स होते हैं उसमें बेटा, और क्या होता है जैसे कैश होता है, कैश इन हैंड बेटा आता है राइट ना, और नेक्स्ट स्टॉक होता है। एग्रेसिव पॉलिसी क्या होती है, ये बहुत एग्रेसिव लोग ये बोलते हैं भाई साहब हम ना वर्किंग कैपिटल कम से कम रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डेटर कम रखना पड़ेगा। ये डेटर्स को कम मुहलत देंगे, जैसे बच्चों मान लो कोई बंदा इनके साथ है माल खरीदने के लिए, कोई बंदा बोलता माल खरीदने के लिए, बंदा बोलता है साहब उधार माल दो ना अच्छा रहेगा, भगवान भले करेगा, तो ये क्या बोलता है एग्रेसिव बंदा, क्या बोलता है देख भाई माल आज लेके जा रहा है उधार लेके जा, पर कल लाके देने का पैसा। बोलते ये क्या बात हुई, बोलता हाँ मैं एग्रेसिव हूं, ऐसा तुमको चार पांच महीने का टाइम नहीं मिलेगा, आज पैसा आज माल लेके गया ना कल लाके देना पड़ेगा। तो एग्रेसिव में क्या है, आप डेटर्स को कम मुहलत दोगे, उससे आपका डेटर्स क्या होगा कम होगा। आप आपके बिजनेस के गल्ले में कैश कम रखोगे, अरे पैसा उड़ा के ले गया तो क्या करेंगे। और भाई साहब आप स्टॉक भी कम से कम मेंटेन रखोगे, अरे भाई साहब स्टॉक खराब हो तो क्या करेंगे। तो डेटर कम है, कैश कम है, और स्टॉक भी कम है, तो आपने कम से कम पैसा इन्वेस्ट किया। ये बच्चों बेटा आपकी कौन है बेटा जी, एग्रेसिव बेटा पॉलिसी। बेटा एग्रेसिव मतलब क्या है, कंजूस अप्रोच, कंजूस मक्खी जूस। बेटा कंजूस क्या करता है, कंजूस बेटा कंजूस वाला बंदा क्या करता है, अरे भाई साहब वो डेटर्स को कम बोल देगा, डेटर कम रखेगा, अपने बिजनेस में कैश भी कम रखेगा, और भाई साहब वो स्टॉक भी कम मेंटेन करेगा, इसे बोलते हैं एग्रेसिव पॉलिसी। नेक्स्ट बच्चों होता है कंजर्वेटिव पॉलिसी, दिलदार पॉलिसी, लुटवाने की पॉलिसी। कंजर्वेटिव बंदा था, अरे चिल मारो चिल मारो। कोई बंदा उसके साथ है, साहब उधारे में माल चाहिए, लेके जाना अपना चाहिए, जब दिल करेगा लाके दे, तीन महीने के बाद, छह महीने के बाद, नौ महीने, जब दिल करेगा पैसा लाके दे। कंजर्वेटिव दिल खोल के मोल बच्चों दे रहा है। डेटर्स बढ़ेंगे। बिजनेस में भयंकर कैश रखता है, जिसको चाहिए पैसा लेके जाओ, कैश भयंकर रखता है। अरे स्टॉक भी भयंकर, वो सोचता है स्टॉक खत्म होता क्या करेंगे, और लाओ स्टॉक भयंकर। तब कंजर्वेटिव बेटा क्या करता है, दिलदार होता है, डेटर्स को बहुत मोहलत देगा बेटा जी, कैश भयंकर रखेगा बेटा जी, और स्टॉक भी बहुत रखेगा। इससे क्या होगा, आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा। तो बच्चों कंजर्वेटिव बच्चों पॉलिसी में हम वर्किंग कैपिटल में हाई इन्वेस्ट करते हैं, समझा बच्चों। और लास्ट में बच्चों बेटा क्या, लास्ट में बच्चों क्या देखा बच्चों, मॉडरेट बेटा पॉलिसी। बच्चों मॉडरेट में क्या आता है, ना ज्यादा ना कम, बीच वाला मॉडरेट। अब बता बच्चों वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं बात करूं इन्वेस्ट में चाहता हूं, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कितने अप्रोच है, तीन, एग्रेसिव, कंजर्वेटिव और मॉडरेट। एग्रेसिव मतलब कंजूस अप्रोच कम रखो, कंजर्वेटिव मतलब बच्चों क्या, बेटा कंजर्वेटिव क्या है,
दिलदार अप्रोच बहुत रखो, मॉडरेट मतलब बीच वाला अप्रोच, एकदम आराम से चिल मार के बेटा जी, आराम से चिल मार के बेटा जी, सबको झेपा। अब बच्चों और बड़ा और बच्चों पॉइंट बता रहा हूं, ये बच्चों मैंने क्या होता है बच्चों, देखो वर्किंग कैपिटल कितना इन्वेस्ट करना चाहिए उसके टाइप बताए। अब मैं बता रहा वर्किंग कैपिटल के लिए फाइनेंस कहां से ले। बच्चों वर्किंग बेटा कैपिटल के लिए फाइनेंस पाने की दो पॉलिसी है। बच्चों अब तक मैंने क्या बताया, वर्किंग कैपिटल में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए या कम इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके लिए मॉडरेट कंजर्वेटिव एग्रेसिव पॉलिसी। अब मैं क्या बता रहा हूं, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा तो इन्वेस्ट करना है, उसके लिए पैसा आएगा कहां से, उसके लिए फाइनेंस कहां से लाएंगे, फाइनेंस पाने के लिए बच्चों दो बेटा पॉलिसी। पहला बच्चों होता है कंजर्वेटिव पॉलिसी, दूसरा बच्चों होता है एग्रेसिव पॉलिसी। पहला बच्चों क्या होता है बेटा जी, कंजर्वेटिव पॉलिसी, दूसरा बच्चों क्या होता है एग्रेसिव पॉलिसी। देखो भाई साहब, अब मैं फाइनेंस के बच्चों बात कर रहा हूं। देखो बच्चों, वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस दो तरह से मिल सकता है बच्चों। एक तो बच्चों वर्किंग बेटा कैपिटल के लिए आप शॉर्ट टर्म फाइनेंस ले सकते हो या लॉन्ग टर्म फाइनेंस ले सकते हो। बच्चों वर्किंग बेटा कैपिटल के लिए एक तो पैसा यूज करोगे शॉर्ट टर्म का, जैसे शॉर्ट टर्म बैंक लोन, या फिर बच्चों आप वर्किंग बेटा कैपिटल के लिए लॉन्ग टर्म बच्चों फंड यूज कर, जैसे शेयर कैपिटल, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बैंक लोन, इसका पैसा भी यूज कर सकते हो। तो वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस पाने के लिए कौन सा पैसा यूज करना चाहिए, उस बच्चों हिसाब से दो पॉलिसी। पहला जो क्या है कंजर्वेटिव पॉलिसी, मैं बात कर रहा फाइनेंसिंग की बात कर रहा हूं, तो कंजर्वेटिव पॉलिसी में हम ऐसा बोलते कि भाई साहब वर्किंग कैपिटल के लिए आप शॉर्ट टर्म फाइनेंस लो, आप शॉर्ट टर्म फाइनेंस उठाओ, आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ओके सॉरी सॉरी बेटा उल्टा बता बच्चों, बच्चों कंजर्वेटिव बच्चों क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म फाइनेंस का सहारा कम लीजिए, आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस का सहारा ज्यादा लीजिए। आप शॉर्ट टर्म का जो सहारा बच्चों कम लीजिए और आप लॉन्ग टर्म का बच्चों सहारा बेटा ज्यादा लीजिए। इससे बच्चों क्या होगा, इससे भाई साहब अगर शॉर्ट टर्म बेटा फंड कम यूज कर रहे हो और लॉन्ग टर्म बेटा ज्यादा यूज कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म में पैसा पे करने का रिस्क नहीं होगा। अरे बेटा आपने शॉर्ट टर्म फंड कम यूज के लॉन्ग टर्म फंड यूज के, तो लॉन्ग टर्म का पैसा एकदम आराम से चिल मार के दो, 5 साल के बाद 10 साल के बाद दो, अभी पैसा देने का कोई टेंशन नहीं, अभी कोई रिस्क नहीं है, शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं देना चलेगा, यहां पर रिस्क बेटा कम होता है, ओके। बट वही बच्चों देखो एग्रेसिव बच्चों क्या एग्रेसिव में कहते हैं, एग्रेसिव पॉलिसी में कहते हैं भाई साहब ये लॉन्ग टर्म फंड हम 5 साल के 10 साल के लोन कौन लेगा, शॉर्ट टर्म लोन लेंगे, 6 महीने के लोन लेंगे चुकता करेंगे, 3 महीने के लोन लेंगे चुकता करेंगे। तो एग्रेसिव बच्चों क्या आता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस का ज्यादा सहारा लेते, तो यहाँ पे रिस्क भी क्या होता है ज्यादा, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए सहारा बच्चों ले रहे हो तो शॉर्ट टर्म में कम समय में पैसा रिपे भी करना पड़ेगा, तो पैसा रिपे करने का बर्डन होगा बच्चों आपके ऊपर। यहाँ पे एग्रेसिव कंजर्वेटिव बच्चों क्या आता, कंजर्वेटिव में क्या आता, लॉन्ग टर्म बच्चों फाइनेंस का सहारा लिया था, पैसा आराम से दौड़े कोई टेंशन नहीं कोई रिस्क नहीं, बट यहां पे क्या आता है पैसा आपको शॉर्ट टर्म में देना पड़ेगा, यहां पर रिस्क बच्चों है। सबको झेपा नालायक, कोई तकलीफ बच्चों इसमें। और एक बच्चों पॉइंट बेटा जी, कंजर्वेटिव में क्या आता है लॉन्ग टर्म बेटा फाइनेंस का सहारा बच्चों ले रहे हो तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए आपको इंटरेस्ट भी ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो आपका कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग क्या होगा बढ़ेगा। बट यहां पे एग्रेसिव में क्या आता है आप शॉर्ट टर्म फाइनेंस का सहारा ले रहे हो तो खर्चा बेटा क्या होगा कम होगा और प्रॉफिट क्या होगा बढ़ेगा। दोबारा मुझे बताओ बच्चों वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस पाने के, बेटा मुझे बताओ वर्किंग बेटा कैपिटल को फाइनेंस बेटा पाने के कितने बच्चों पॉलिसी होते, दो, कंजर्वेटिव पॉलिसी और एग्रेसिव बच्चों पॉलिसी। कंजर्वेटिव पॉलिसी में, कंजर्वेटिव बेटा पॉलिसी में हम ऐसा बिलीव करते कि भाई साहब पैसा हमें लॉन्ग टर्म से ज्यादा रेस करना है, शॉर्ट टर्म से नहीं करना है, इससे क्या होगा तुरंत पैसा देने का रिस्क नहीं रहेगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा तो फाइनेंस कॉस्ट बढ़ेगा। एग्रेसिव पॉलिसी में हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस का सहारा नहीं लेंगे, शॉर्ट टर्म बेटा फाइनेंस का सहारा लेंगे, इससे बच्चों क्या होगा, इससे बच्चों क्या होगा आपके बेटा जी खर्चे क्या होंगे कम होंगे, बट भाई साहब आपको तुरंत पैसा रिपे करना पड़ेगा, रिस्क भी आपका बढ़ेगा एकदम आराम से चिल मार के। नेक्स्ट बच्चों देखिए हम यहां का एक पॉइंट रह गया था बच्चों, उसको डिस्कस करते बच्चों, नेक्स्ट बच्चों पॉइंट अब डिस्कस करेंगे,
फैक्टर टू बी कंसिडर व्हाइल प्लानिंग वर्किंग कैपिटल, आपके बिजनेस में कितना वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, ये किस पे डिपेंड करेगा? आपके बच्चों बिजनेस का वर्किंग कैपिटल प्लान करते हो क्या क्या फैक्टर? सबसे पहले डिपेंड कर नेचर ऑफ बिजनेस, आप किस टाइप का बच्चों बिजनेस कर रहे हो। मान लो बेटा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बेटा कंपनी में काम कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिक्वायर्स हेवी वर्किंग कैपिटल, और सर्विस इंडस्ट्री रिक्वायर्स लेस वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा ये डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट डिपेंड करेगा डिग्री ऑफ सीजनेबिलिटी, ऐसे बिजनेस जो सीजन वाइज चलते अब सीजन में ज्यादा लगेगा वर्किंग कैपिटल और ऑफ सीजन में। जैसे मान लो बच्चों कोई कपड़ों का दुकान है, बच्चों देखो बच्चों कोई कपड़ों का दुकान बैठा, कपड़ों का दुकान बैठा जी, कपड़ों का बच्चों दुकानदार बैठा जी, राइट ना। उसके उस समय देखो त्योहार के टाइम पे उसको कपड़े बेटा ज्यादा लाने पड़ेंगे बेटा जी, तो कपड़े बच्चों दुकानदार के लिए त्योहार के टाइम पे सीजन के टाइम पे वो वर्किंग कैपिटल में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा और ऑफ सीजन में वो पैसा कम इन्वेस्ट करेगा। तो वर्किंग कैपिटल डिपेंड करे सीजन पे डिपेंड करे बच्चों। फिर प्रोडक्शन पॉलिसी, आपकी पॉलिसी क्या है, ज्यादा प्रोडक्शन करना है या कम करना है। ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा पैसा लगेगा बेटा जी। बिजनेस किस ग्रोथ के लेवल पे, अगर बच्चों आपका बिजनेस स्टार्टिंग फेज में तो आपको कम लगेगा वर्किंग कैपिटल, अगर बच्चों बिजनेस बेटा जब ग्रोथ मतलब क्या है अगर वो बता के ग्रोइंग बेटा स्टेज में यू रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल, बाकी सब टाइम पास चीज बेटा जी। इन सभी बच्चों बातों पे आपका वर्किंग कैपिटल डिपेंड करता है, एकदम आराम से चिल मार के सबको झेपा बेटा भाई साहब। अब अगला बेटा कंसेप्ट है ऑपरेटिंग साइकिल, यहां से बच्चों इस चैप्टर का प्रैक्टिकल बच्चों पार्ट स्टार्ट हो रहा है। बस एक मिनट का बच्चों ब्रेक ले बेटा जी, बस मैं एक मिनट में कैमरे का बच्चों बैटरी बड़ा चेंज करता हूं और बैटरी चेंज करने के बाद हम इसको पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, मस्त बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है।
चले आई एम बैक बैक टू बिजनेस शुरू करो भाई साहब शुरू करते चलो बच्चों अब देखो बच्चों हम पढ़ के आ रहे बच्चों वर्किंग बड़े क्या देखे बच्चों अब हमें नेक्स्ट बड़ा कंसेप्ट पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज द मस्ट बेटर कंसेप्ट है अब देखो बच्चों व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल ओके अब देखो बच्चों व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल ध्यान सुना बच्चों बच्चों ऑपरेटिंग साइकिल मतलब क्या देखो बच्चों बिजनेस में एक ऑपरेशन पूरा करने के लिए बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में वो पैसा वापिस पाने के लिए बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में वो पैसा वापिस पाने के लिए जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में वो पैसा वापिस पाने के लिए जो समय लगता है वो क्या आता है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड छोटा एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल दूंगा बेटा जी मान लो बच्चों एक बड़ा कपड़ों का दुकानदार है बेटा जी उसने बच्चों क्या किया उसने आज 1,00,000 रुपए के कपड़े परचेस के बेचने के लिए उसने जो 1,00,000 के कपड़े बड़े परचेस के वो कपड़े बेचने के लिए उसे कम से कम 4 महीने का समय लगता है बेटा जी तो 4 महीने में उसका सारा माल बिक रहा है और माल बिक के उसके हाथ में बड़ा पैसा वापिस आ रहा है समझा बेटा जी तो बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो वापिस पाने के लिए उसे 4 महीने का बच्चों समय लग रहा है ये हमारा कौन है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है कोई वड़ा पाव वाला है वड़ा पाव का ठेला बेटा जी वो क्या करता है शाम को छह बजे 500 रुपए इन्वेस्ट करता है अपने जेब से 500 रुपए निकालता है 500 रुपए निकाल के वो वड़ा पाव का सामान बच्चों लेके आता है वो पोटैटो लेके आता है पता है वो पता है आटा लेके आता है राइट ना तेल लेके आता है राइट ना ये सब बच्चों लेके आके 500 रुपए डाल के वड़ा पाव का सामान लेके आता है और वड़ा पाव बनाना शुरू करता है बच्चों 3 घंटे में उसके सारे वड़ा पाव बिकते और उसके हाथ में पैसा आ जाता है तो जितना पैसा इन्वेस्ट किया उसको वापिस पाने के लिए उसे 3 घंटे समय लग रहा है बच्चों तो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में पैसा वापिस पाने का जो समय दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग साइकिल सबको झेपा नालायक अब देखो भाई साहब ये ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकालते हैं प्लीज समझ अच्छे बेटा जी ऐसा बच्चों कहता है ऑपरेटिंग साइकिल इज मेड अप ऑफ 5 पार्ट आर डब्ल्यू एफ डी और सी क्या सर जी इसका मतलब क्या प्लीज समझ लॉजिकली समझना बच्चों बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में सबसे पहले आप क्या लोगे रॉ मटेरियल बच्चों पहले बच्चों क्या लाओगे रॉ मटेरियल अब बताओ जरूरी है क्या आज आपने रॉ मटेरियल लाया बेटा मुझे बताओ जरूरी है क्या आज आपने रॉ मटेरियल लाया वो आज ही कंज्यूम हो गया ना सर जी हो सकता है आज मैंने रॉ मटेरियल लाया और रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा 20 दिन के बाद तो रॉ मटेरियल को कंज्यूम करने के लिए जो समय लगेगा वो क्या होता है रॉ मटेरियल कंजम्पशन पीरियड मान लो बेटा एक कंपनी वो पेन बना के बेचती है फिर बेचती अब मुझे उस कंपनी का निकालना मुझे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालना है तो कंपनी सबसे पहले बच्चों कंपनी सबसे पहले क्या क्या प्लास्टिक लाया प्लास्टिक को रॉ मटेरियल प्लास्टिक लाके स्टोर में रखा उसे प्रोडक्शन में यूज करने के लिए अरे प्लास्टिक तो लाया था उसे प्रोडक्शन में यूज करने के लिए कंज्यूम करने के लिए 20 दिन का समय लगा तो रॉ मटेरियल को कंज्यूम करने के लिए जो समय लगा वो था रॉ मटेरियल कंजम्पशन पीरियड मान लो बच्चों 20 दिन के बाद में आपने रॉ मटेरियल यूज करने के लिए निकाला आप क्या करेंगे सर जी रॉ मटेरियल से आप क्या बनाओगे फिनिश गुड रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाने के लिए कुछ समय लगता है बच्चों रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाने के लिए वर्क इन प्रोग्रेस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाने के लिए जो समय लगता है दैट इज कॉल्ड एज WIP होल्डिंग पीरियड रॉ मटेरियल कंज्यूम कब किया 20 दिन के बाद में 20 दिन के बाद में प्लास्टिक निकाला गोड स्टोर में गए प्लास्टिक निकाला 20 दिन के बाद प्लास्टिक लेके आ गया अब काम करना शुरू किया प्लास्टिक पे काम करने के लिए पेन बनाने के लिए आपको 10 दिन का समय लगा पेन बनाने के लिए प्रोडक्शन करने के लिए जो समय लगता है वो क्या है WIP होल्डिंग पीरियड ठीक है
20 दिन के बाद रॉ मटेरियल निकाला, प्रोडक्शन करना शुरू किया, प्रोडक्शन करने के लिए 10 दिन लग गए, 10 दिन के बाद फिनिश गुड बन गए। जैसे फिनिश गुड बन गए देख के अपना दिल गार्डन गार्डन हो गया। हमने बोला रुक जा भाई रुक जा, पिक्चर बाकी, फिनिश गुड तो बन गया, बेचना पड़ेगा। ऐसा क्या बच्चों, फिनिश गुड बन गया तुरंत बिकता है क्या? ना सर, फिनिश गुड बनने के बाद में उसे बेचने के लिए कुछ समय लगता है। मान लो बेटा जी, फिनिश गुड बनने के बाद में उसे बेचने के लिए 20 दिन लगते, फिनिश गुड बनने के बाद में उसे बेचने के लिए 20 दिन लगते, तो 20 दिन के लिए फिनिश गुड अपने पास रखना पड़ेगा। फिनिश गुड बनने के बाद में उसे बेचने के लिए 20 दिन लगते, तो क्या ना है सर, 20 दिन तक फिनिश गुड अपने पास रखना पड़ेगा। जितने दिन तक फिनिश गुड रखना पड़ेगा उससे हम लोग बोलते हैं फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड। जितने समय तक फिनिश गुड रखना पड़ेगा उसे हम बोलते हैं फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड। 20 दिन रखने के बाद में फिनिश गुड बिक गया, डेंटेड एंड अब फिनिश गुड बिक गया, अब तो पैसा पैसा होगा, पैसा पैसा। हमने सोचा अब तो फिनिश गुड बिक गया, अब पैसा आएगा। हमने कस्टमर को फोन किया, नालायक, फिनिश गुड लेके गया, पैसा कब देगा? कस्टमर बोलता है साहब अभी पैसे का तंगी चल रहा है, मैं आपको पैसा दूंगा 30 दिन के बाद में। कस्टमर मतलब डेटर्स को माल तो बेचा है, बट डेटर से पैसा आने के लिए कुछ समय लगता है बच्चों। डेटर से पैसा आने के लिए जो समय लगता है वो क्या है? डेटर्स कलेक्शन पीरियड। डेटर से पैसा आने के लिए सर तब वो क्या है? डेटर्स कलेक्शन पीरियड। मैं दोबारा बता रहा हूं, हम क्या देख रहे हैं? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। बच्चों ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का मतलब क्या होता है? बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में उसे वापिस पाने के लिए जो समय लगता है वो क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। सबसे पहले रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल को यूज करने का समय क्या है? रॉ मटेरियल कंजम्पशन पीरियड। रॉ मटेरियल यूज करना शुरू किया, उसे फिनिश गुड बनने का समय क्या होता है? WIP होल्डिंग पीरियड। फिनिश गुड बनने के बाद में उसे बेचने के लिए समय लगता है वो क्या होता है? फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड। उसे बेचने के बाद में कस्टमर से पैसा वापिस पाने के लिए समय क्या लगता है? डेटर्स कलेक्शन पीरियड। बट भाई साहब इसमें एक बात रह गई, आपने रॉ मटेरियल तो लाया था, बट रॉ मटेरियल किसी तो लाया होगा, रॉ मटेरियल जिस सप्लायर से लाया उसको देना भी पड़ेगा, रॉ मटेरियल जिस सप्लायर से लाया ना उसको पैसा वापस भी करना पड़ेगा। तो सप्लायर को पैसा, सप्लायर मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर को पैसा देने के लिए जो समय लगता है उसे बोलते हैं क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। जिस सप्लायर से रॉ मटेरियल लाया था उसको पैसा वापिस करने का समय लगता है वो क्या होता है? क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। अब देखो रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड, डेटर, ये सारे हमारे करंट एसेट है, और क्रेडिटर कौन है? हमारा करंट लाइबिलिटी। तो हमने ऑपरेटिंग साइकिल निकालने के लिए क्या किया? करंट एसेट के टाइम को ऐड किया और उसमें से करंट लाइबिलिटी का टाइम लेस किया। ये सब करने के बाद आपको मिलेगा ऑपरेटिंग साइकिल। इसका मतलब क्या है? बिजनेस के ऑपरेशन के लिए 70 दिन का समय लगता है, 70 दिन में हमें हमारा पैसा वापिस मिलता है। बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में उसे वापिस पाने के लिए 70 डेज का समय लगता है, वो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है। सबको झेपा क्या नालायक? कंसेप्ट ले रहे क्या? एकदम आराम से चिल मार के बता बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड? बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में वो वापिस पाने का समय क्या आता है? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। कौन बताएगा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितने फैक्टर से बनता है? सब 5 फैक्टर। क्या क्या? RWFDC। आर फॉर रॉ मटेरियल कंजम्पशन पीरियड। रॉ मटेरियल को कंज्यूम करने का समय क्या होता है? रॉ कंजम्पशन पीरियड। W फॉर WIP होल्डिंग पीरियड। प्रोडक्शन करने का समय क्या है? WIP होल्डिंग पीरियड। F फॉर फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड। फिनिश गुड को जितने समय रखना पड़े फिनिश स्टोरेज पीरियड। D फॉर डेटर्स कलेक्शन पीरियड। डेटर मतलब
कस्टमर से पैसा वापस पाने का समय बच्चों क्या होता है, डेटर्स कलेक्शन पीरियड। और नेक्स्ट बच्चों क्या रहेगा बच्चों, सी फॉर क्या होता है, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। क्रेडिटर को पैसा वापस करने का समय क्या होता है, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। एकदम आराम से चिल मार के। दोबारा बच्चों, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितने बच्चों पार्ट से बनता है, पांच। क्या क्या, आर डब्ल्यू एफ डी सी। एकदम आराम से चिल मार के, एकदम आराम से चिल मार के। अब बच्चों इसका बेटा देखते हैं, हरे का फॉर्मूला देखेंगे। अब इसका हरे का देखेंगे फॉर्मूला। अब देखो एक एक का फॉर्मूला देखिए बेटा जी। देखो सबसे पहले बता रहा हूं, आर मतलब क्या है, रॉ। आर मतलब बच्चों क्या होता है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन पीरियड। बच्चों आर का मतलब क्या है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन पीरियड। देखो भाई साहब, व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर रॉ मटेरियल कंजम्पशन पीरियड, ध्यान सुना बेटा जी। रॉ मटेरियल को कंज्यूम करने के लिए कितना समय लगता है, उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, ऑन एन एवरेज हमारे पास कितना रॉ मटेरियल था, ऑन एन एवरेज हमारे पास कितना रॉ मटेरियल था, ऑन एन एवरेज हमारे पास कितना रॉ मटेरियल था, और कितना मटेरियल हमने कंज्यूम किया, मटेरियल कंज्यूम पर डे। देखो ध्यान सुनना बेटा जी, बच्चों क्या बता रहा हूं, रॉ मटेरियल कंजम्पशन पीरियड, रॉ मटेरियल को कंज्यूम करने के लिए कितना समय लगता है, कैसे करेंगे। मान लो ऑन एन एवरेज मेरे पास 1000 का मटेरियल था, ऑन एन एवरेज मेरे पास 1000 बच्चों मटेरियल था, और हर रोज मैं 50 का मटेरियल कंज्यूम करता हूं। हाउ टू फाइंड रॉ मटेरियल कंजम्पशन पीरियड, अरे 50 का मटेरियल कंज्यूम करने के लिए एक दिन लगता है, 50 का मटेरियल कंज्यूम करने के लिए अगर एक दिन लगता है, तो मेरे पास ऑन एन एवरेज जो 1000 का रॉ मटेरियल है उसे कंज्यूम कर लगेंगे 20 दिन। 50 का रॉ मटेरियल कंज्यूम करने के लिए हमें एक दिन लगता है बच्चों, तो 1000 का रॉ मटेरियल कंज्यूम करने के लिए हमें लगेंगे 20 दिन। तो रॉ मटेरियल को कंज्यूम करने के लिए जो समय लगता है उसे हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल कंजम्पशन पीरियड। चिल मार के बच्चों, रॉ मटेरियल को कंज्यूम करने के लिए जो समय लगता है वो क्या था, रॉ मटेरियल कंजम्पशन पीरियड। एकदम चिल मार के बेटा, एकदम चिल मार के, सबको झेपा। नेक्स्ट बच्चों क्या देखे बच्चों, नेक्स्ट बच्चों होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर डब्ल्यू आई पी होल्डिंग पीरियड। प्रोडक्शन करने के लिए जो समय लगता है डब्ल्यू आई पी होल्डिंग। अब कैसे फॉर्मूला बच्चों, रॉ मटेरियल कंजम्पशन में ऊपर क्या लिया था, एवरेज रॉ मटेरियल, तो डब्ल्यू आई पी में क्या होगा, एवरेज डब्ल्यू आई पी। थिंक लॉजिकली, रट्टा मत मारना। रॉ मटेरियल में ऊपर तो एवरेज रॉ मटेरियल, तो डब्ल्यू आई पी ऊपर क्या, एवरेज डब्ल्यू आई पी। हमें निकालना है क्या, डब्ल्यू आई पी होल्डिंग पीरियड। यहां पे कैसे क्या आता, रॉ मटेरियल क्या होता है, कंज्यूम होता है। रॉ मटेरियल क्या होता है, कंज्यूम होता है, तो नीचे क्या लिया था, मटेरियल कंज्यूम पर डे। डब्ल्यू आई पी का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। डब्ल्यू आई पी बच्चों क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, तो नीचे क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। बच्चों नीचे कौन आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। इसका मतलब क्या है, मान लो मेरे पास ऑन एन एवरेज 500 का डब्ल्यू आई पी, मान लो मेरे पास ऑन एवरेज 500 का डब्ल्यू आई पी, और पर डे मैं 50 का प्रोडक्शन करता हूं। 50 का प्रोडक्शन करने के लिए अगर एक दिन लगता है, 50 का प्रोडक्शन करने के लिए अगर एक दिन लगता है, तो ऑन एन एवरेज 500 का डब्ल्यू आई पी बनाने के लिए 10 लेंगे बच्चों, और डब्ल्यू आई पी को बनाने के लिए जो समय लगता है वही तो मेरा कौन है, डब्ल्यू आई पी होल्डिंग पीरियड है। एकदम आराम से चिल मार के बता बच्चों, डब्ल्यू आई पी होल्डिंग पीरियड बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज डब्ल्यू आई पी अपॉन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। क्या सब नाला किससे कंफर्टेबल है, क्या इतना प्रोडक्शन करने के लिए एक दिन लगता है, तो ऑन एन एवरेज के लिए कितना समय लगेगा। नेक्स्ट बच्चों होता है एफ, एफ फॉर फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड। एकदम इजी है बच्चों, ऊपर कौन आएगा, एवरेज फिनिश गुड। बच्चों ऊपर कौन आएगा, एवरेज फिनिश गुड। भाई साहब रॉ मटेरियल क्या होता है, कंज्यूम होता है। डब्ल्यू आई पी क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो फिनिश गुड क्या करेंगे, सेल। तो नीचे कौन आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल पर डे। इतना सेल करने के लिए अगर एक दिन लगता है,
इतना सेल करने के लिए अगर एक दिन लगता है तो ऑन एन एवरेज फिनिश गुड को इतना सेल करने में एक दिन लगता है तो ऑन एन एवरेज फिनिश गुड को सेल करने के लिए कितना समय लगता है उसे बोलते हैं फिनिश गुड स्टोरी। बच्चों बड़े बोलते हैं सबको झेपा नालायक। नेक्स्ट बच्चों आता है आर हो गया, डब्ल्यू हो गया, एफ हो गया। नेक्स्ट बच्चों आता है डी। डी फॉर होता है डेटर्स कलेक्शन पीरियड। डी को बच्चों हम लोग बोलते हैं डेटर्स कलेक्शन पीरियड। डेटर्स मतलब कस्टमर से पैसा वापिस पाने के लिए कितना समय लगेगा उसके लिए बच्चों ऊपर बेटा होता है, ऊपर बच्चों होता है एवरेज डेटर्स। ऊपर क्या होगा एवरेज डेटर और नीचे होता है सेल पर डे। और बच्चों डेटर किससे बनता है क्रेडिट सेल से, क्रेडिट सेल पर डे। इतना क्रेडिट सेल करने के लिए अगर एक दिन लगता है तो ऑन एन एवरेज डेटर्स के लिए कितना समय लगेगा एकदम चिल मार के बेटा जी। ओके रॉ मटेरियल कंजम्पशन में ऊपर तो एवरेज रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी होल्डिंग में ऊपर है एवरेज डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड स्टोरेज में ऊपर है एवरेज फिनिश गुड। तो डेटर्स कलेक्शन ऊपर एवरेज डेटर, ऊपर होगा एवरेज, नीचे क्या होगा रॉ मटेरियल क्या होता है कंज्यूम, तो नीचे क्या है कंजम्पशन पर डे। डब्ल्यूआईपी का क्या होता है प्रोडक्शन, नीचे क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। फिनिश गुड का क्या होता है सेल, नीचे क्या होगा कॉस्ट ऑफ सेल पर डे। डेटर किससे बनेंगे क्रेडिट सेल से, तो नीचे क्या होगा क्रेडिट सेल पर डे। जिनको ये समझा होगा बच्चों सी मतलब क्या है क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। बताओ ना लाइक व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। ऊपर क्या लेंगे एवरेज क्रेडिटर, ऊपर क्या लेंगे एवरेज क्रेडिटर। डेटर किससे बनाता सेल से, क्रेडिटर किससे बनेगा परचेस से, तो नीचे क्या होगा क्रेडिट परचेस पर डे। मैंने बेटा जी बहुत शॉर्ट में मैंने समझा बेटा जी, आई होप थोड़ा बहुत समझा बेटा जी आपको, मैंने बहुत शॉर्ट में समझा रहे टाइम बेटा कम है, मैंने बहुत शॉर्ट में समझा रहे बेटा जी आपको। ये पांच बेटा फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है इस पांच के ऊपर मैं सम सॉल्व करने, और एक बार पांचों बेटा मिल गया तो रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड डेटर इनको ऐड करो और क्रेडिट समय बच्चों लेस करो, इससे आपको मिलेगा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मिलेगा। जिनको ये पहले नहीं पता होगा नालायक फटाफट इसका स्क्रीनशॉट निकाले, जिनको बच्चों पहले बेटा पता नहीं होगा फटाफट बेटा इसका स्क्रीनशॉट निकालिए। अब इस बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एकदम आराम से चिल मार के बच्चों। ठीक है चलो भाई साहब, चलो भाई साहब अब बच्चों इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। फोटो निकाल बेटा, फोटो निकाल बेटा जी, यस 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 यस। अब फर्स्ट क्वेश्चन डेंटेड एंड फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने पेश है, कैलकुलेट रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। अब पढ़ो बच्चों, क्या बोले रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कंज्यूम ड्यूरिंग ईयर, पूरे साल में, पूरे साल में कितना कंज्यूम किया 6 लाख, अच्छी बात है, पूरे साल में कितना कंज्यूम किया 6 लाख रॉ मटेरियल का बच्चों एवरेज ड्रॉपआउट कितना बच्चों 50 आ रहे और साल में दिन के लिए 360 है। ठीक है बेटा जी कोई दिक्कत नहीं, हमें निकालना क्या बच्चों देखो बेटा, हमें निकालना क्या बच्चों देखिए सर जी, हमें निकालना क्या है रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड निकालना है। कौन बताएगा मुझे हाउ टू फाइंड रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, फॉर्मूला क्या है बच्चों सब नालक मुझे बताएंगे, सब नालक मुझे बताएंगे। यस अविशा बेटा डेटर बेटा कलेक्शन का बेटा और एक नाम है वो रेशो बेटा पढ़ा, रेशो में पढ़ाता बेटा सीएम बेटा जी, उसका बेटा और एक बेटा नाम होता है डेटर वेलोसिटी, डेटर वेलोसिटी बेटा जी वो रेशो में पढ़ाता बेटा हमने, इट्स डेटर वेलोसिटी। चलो बेटा अब बच्चों हम कहां पे बच्चों देखो, हम पढ़ के आ रहे थे रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड बच्चों पढ़ रहे थे बेटा जी राइट ना। इसका फॉर्मूला क्या सर, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज रॉ मटेरियल अपॉन रॉ मटेरियल कंज्यूम पर डे, एवरेज रॉ मटेरियल अपॉन रॉ मटेरियल कंज्यूम पर डे। ओके थैंक यू लक्ष्मी जी, थैंक यू लक्ष्मी जी, थैंक यू बेटा जी।
अब बच्चों देखिए, अब देखो बच्चों, रॉ मटेरियल बेटा जी स्टोरे बच्चों पढ़ने के लिए हमें दो बातें चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए? एवरेज रॉ मटेरियल। अरे सर, एवरेज रॉ मटेरियल सब में दिया ना बेटा, मुझे होता अगर सब में एवरेज रॉ मटेरियल नहीं दिया होता था कैसे करेंगे? हाउ टू फाइंड एवरेज रॉ मटेरियल, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन टू। हाउ टू फाइंड एवरेज रॉ मटेरियल, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन टू। एकदम आराम से चिल मार के, एकदम आराम से बच्चों चिल मार के, इसे बच्चों क्या मिलेगा आपको? एवरेज रॉ मटेरियल मिलेगा, एकदम आराम से चिल मार के। अब नीचे बेटा क्या आएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम पर डे। ऊपर कौन है? एवरेज रॉ मटेरियल। और नीचे बच्चों कौन चाहिए? एवरेज रॉ मटेरियल क्वेश्चन में दिया था, अब मुझे क्या चाहिए? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर डे। क्वेश्चन में कुछ दिया है क्या? हाँ दिया ना सर, क्या दिया है? रॉ मटेरियल कंज्यूम इन ईयर, ये 6 लाख क्या है? पूरे साल में कंज्यूम क्या है? हमें क्या चाहिए? रॉ मटेरियल कंज्यूम पर डे। कैसे करेंगे? साल में दिन कितने? 360। पूरा साल मतलब अगर 360 दिन में इतना कंज्यूम किया है, पूरा साल मतलब 360 दिन में इतना कंज्यूम किया है, तो एक दिन में कितना कंज्यूम किया है? पूरा साल मतलब 360 दिन में का 6 लाख कंज्यूम किया है, तो एक दिन में कितना? करो बच्चों, 6 लाख डिवाइडेड बाय 360 का 360 दिन में 6 लाख कंज्यूम किया है, तो एक दिन में कितना क्या बच्चों? 1666.66। यही तो मेरा कौन है? मटेरियल कंज्यूम पर डे। 360 दिन में इतना कंज्यूम किया तो पूरे साल में कितना क्या बच्चों? 1666.66। अब हम कैसे करेंगे? एक दिन में कितना कंज्यूम किया है? 1666.66। अरे 1666 को कंज्यूम करने के लिए अगर एक दिन लगता है, 1666 को अगर कंज्यूम करने के लिए एक दिन लगता है, तो पूरे साल में जो ऑन एन एवरेज 50,000 है उसे कंज्यूम कर लेंगे 30 दिन। अगर 1666 के लिए अगर एक दिन लगता है तो 50 कंज्यूम करने लगेगा 30 दिन, तो कितना बच्चों? 30 डेज। ये मैं रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे सबको झेपा कर नालायक, कोई तकलीफ कोई कोई बेटा जी रट्टा मत मारो रे, लॉजिकली करो, लॉजिक बेटा करो, रट्टा मार के कभी नहीं पढ़ने का, लॉजिकली बेटा पढ़ने का, लॉजिक मैटर करो बच्चों, ऑलवेज थिंक लॉजिकली, ऑलवेज थिंक लॉजिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एकदम चिल्लर है, बहुत चिल्लर है, पढ़ लो। बच्चों क्वेश्चन बच्चों 2 में क्या होता है? रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड आर दिए, WIP होल्डिंग पे W दिए, फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड F दिए, रिसीवेबल कलेक्शन, रिसीवेबल का मतलब क्या आता है? डेटर, जिनसे पैसा आ रहा है वो कौन डेटर है, मतलब कौन है? डेटर कलेक्शन D दिए, फिर कौन है बच्चों? क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर, मतलब क्या आता है? क्रेडिटर पेन पर सब कुछ है, और आपको निकालना क्या है? यू हैव टू फाइंड द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालना बच्चों, बहुत चिल्लर बच्चों, कैसे निकालेंगे? सब कुछ समझ दिया बेटा जी, हाउ टू फाइंड ऑपरेटिंग साइकिल? आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी, करो बच्चों, आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी, बोलो कितना आएगा बच्चों? ऑप्शन डी नन आ रहा है, लेकिन आंसर कितना आ रहा है? आंसर कितना आ रहा है आपका? 80 प्लस ये 85 नहीं, ये 80 प्लस ये 125 माइनस 30 95 आ रहा आंसर आपका, ऑप्शन डी नन है बच्चों, आंसर 95 डेज नन आ रहा है बच्चों। सबको झेपा ना लाइक, सबको झेपा ना लाइक, एकदम चिल मार के, सबको कॉन्फिडेंस आ रहा है करे, एकदम मस्त जन्ना 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 बेटा, एकदम जन्ना बेटा जी, सबको झेपा ना लाइक, सबको झेपा ना लाइक, एकदम चिल मार के। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, अब सब ना लाइक क्वेश्चन 3 को पढ़ेंगे, अब सब ना लाइक क्वेश्चन 3 को पढ़ेंगे, एकदम चिल मार के।
अब देखो बच्चों, क्वेश्चन मुझे थ्री में, क्वेश्चन नंबर थ्री में लेके आपको चाहिए बच्चों, आपको निकालना है क्या, यू हैव टू फाइंड द WIP कन्वर्जन, इसका मतलब क्या, WIP होल्डिंग पर निकाल, WIP होल्डिंग पर निकाल बच्चों, आपको WIP का एक अप्रैल मतलब क्या ओपनिंग दिया बच्चों, एक अप्रैल WIP का ओपनिंग दिया बच्चों, और 31 मार्च अगर क्लोजिंग बच्चों दिए, WIP बच्चों ओपनिंग दिया है क्लोजिंग दिया बच्चों, WIP के बच्चों ओपनिंग दिया बच्चों और क्लोजिंग दिए, और बाद में क्या बोले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया, पूरे साल में कितना प्रोडक्शन क्या वो दिया, और आपको निकालना है क्या WIP होल्डिंग पीरियड। अब बता बच्चों WIP होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज WIP, एवरेज WIP अपॉन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। हाउ टू फाइंड एवरेज WIP, हाउ टू फाइंड एवरेज WIP, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन टू, हाउ टू फाइंड एवरेज WIP, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, करो बच्चों हाउ टू फाइंड एवरेज WIP, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन टू, उससे आपको मिलेगा एवरेज WIP कितना बच्चों आ रहा बताइए 43,150, ये अपना एवरेज WIP है। उसको हम डिवाइड किससे करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। अब हमें निकालना है क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। अब बता बच्चों हाउ टू फाइंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे, हाउ टू फाइंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे, पूरे साल में जितना प्रोडक्शन क्या है, पूरे साल में जितना प्रोडक्शन क्या है, बड़े साल में कितना, 4.5 साल क्या बच्चों, इसको डिवाइड कर नंबर ऑफ डेज से, हमें निकालना है क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे, साल में दिन कितने, कुछ बोला क्या, साल में दिन, ये लीप ईयर बच्चों, बच्चों लीप ईयर बेटा जी, साल में दिन कितने, तो साल के बच्चों देखो लीप ईयर बच्चों, साल के बच्चों देखो 366 डेज में अगर इतना बच्चों प्रोडक्शन किया, साल के बच्चों देखो अगर 366 बच्चों डेज में अगर इतना बच्चों प्रोडक्शन किया तो एक दिन में कितना क्या बच्चों देखो, यही तो मेरा कौन है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे, पूरे साल के 366 डेज में अगर इतना प्रोडक्शन क्या है तो एक दिन में कितना क्या बच्चों, यही तो मेरा कौन है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। अब करो बच्चों डिवाइड एवरेज WIP को, एवरेज WIP को आप डिवाइड कीजिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे से, एवरेज WIP को आप डिवाइड कीजिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे से, आपको मिलेगा WIP होल्डिंग पीरियड नियरली आ रहा है 21 डेज, नियरली 20 डेज आ रहा है बच्चों, क्लियर बच्चों। मैंने बेटा जी देखो यहां पे ईयर में देखो बच्चों 31 मार्च 2016 दिया, 2016 दिया बेटा जी, तो लीप ईयर बेटा जी, इसके लिए मैंने क्या किया 366 लिया है, आपने 365 लिया तो भी चलेगा, आइदर टेक कुछ नहीं बोला है तो 365 लिया तो भी चलेगा बेटा जी, लिया तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई तकलीफ की बात नहीं, आंसर ऑलमोस्ट उतना उत्तर जाएगा ऐसा बेटा जी। अब क्वेश्चन फोर, अब चलो बेटा जी फटाफट सब नालायक क्वेश्चन फोर मुझे करके बता, टाइम पास है बेटा, बड़ा फिनिश हो रहा बच्चों, ओपनिंग दिया है क्लोजिंग दिया है, ओके नेक्स्ट बच्चों देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, पूरे साल का दिया कॉस्ट ऑफ बच्चों गुड सोल्ड है बच्चों, आपको निकालना बच्चों क्या, आपको बच्चों निकालना बच्चों क्या देखे फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड बच्चों आपको निकालना है, इसका बच्चों फॉर्मूला बच्चों क्या होगा, एवरेज फिनिश गुड, एवरेज फिनिश गुड अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल पर डे, एवरेज फिनिश गुड अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल पर डे, एकदम चिल मार के, एवरेज फिनिश गुड अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल पर डे, एकदम चिल मार के, बोलो कितना रहा बच्चों, क्या आप 26 दिन आ रहे बच्चों, वेरी गुड बेटा जी, बट एवरेज निकाला बेटा जी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन टू के एवरेज निकाला बेटा, फिर क्या किया कॉस्ट ऑफ सेल पर डे, इसको डिवाइड किया 366 से बेटा जी, कितना बच्चा आ रहा बताओ सबका 26 दिन आ रहा है क्या, क्या बात है, शानदार शानदार बच्चों, ऑप्शन बच्चों ए आ रहा है क्या, बहुत भारी बेटा बहुत, ऑप्शन ए आ रहा सबका बेटा जी, अब सबको बच्चों इसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है सबको, चलो गुड। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन फाइव, चिल्लर क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या बोला है, रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब क्या है डेटर, जिनके पैसा आने वाला है, हमें निकालना है क्या है डेटर कलेक्शन पीरियड, हाउ टू फाइंड डेटर कलेक्शन पीरियड, एवरेज डेटर्स बच्चों, रिसीवेबल मतलब क्या है डेटर, डेटर का बच्चों ओपनिंग दिया है क्लोजिंग दिया है,
एवरेज निकालो, एवरेज डेटर अपॉन सेल पर डे, डेटर्स का ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, उसे बच्चों एवरेज निकालो, पूरे साल का सेल दिया है उसे सेल पर डे निकालो, एवरेज डेटर्स को डिवाइड करो सेल पर डे से, उसे मिलेगा आपको डेटर कलेक्शन पर मिलेगा। फास्ट फास्ट करो बच्चों, फास्ट फास्ट करो, बताओ कितना आएगा, बोलो नालायक कितना आएगा, बोलो नालायक करके बताओ। कितना बच्चा है, 49 बच्चा, ऑप्शन में ए आ रहा है, क्या बात है, शानदार बच्चा, ऑप्शन में ए आ रहा है सबका बेटा, ऑप्शन ए आ रहा है सबका, एकदम शानदार 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 बच्चा बेटा जी। अब हम पढ़ेंगे नालायक क्वेश्चन नंबर 6, टाइम पास है। क्वेश्चन 6 में क्या है, कैलकुलेट पेमेंट पीरियड। अरे किसको बच्चों करेंगे पेमेंट, क्रेडिटर्स को, आपको निकालना है क्या, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड निकालना है, हमें निकालना है क्या, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। इसका बच्चों फॉर्मूला बच्चों क्या होगा, एवरेज क्रेडिटर अपॉन परचेस पर डे, एवरेज क्रेडिटर अपॉन परचेस पर डे। भाई साहब क्रेडिटर्स का, भाई साहब बेटा क्रेडिटर्स का ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, उसे एवरेज निकालो पहले, ओपनिंग प्लस एवरेज निकालो बेटा पहले, फिर क्या दिया, पूरे साल का बच्चों परचेस दिया है, उसे आप निकालो परचेस पर डे निकालो, फिर एवरेज क्रेडिटर को डिवाइड करो परचेस पर डे से, आपको मिलेगा क्रेडिटर पेमेंट पीरियड मिलेगा। बोलो कितना आएगा बताओ, कितना आएगा बताओ, 55 डेज आ रहे, एकदम फुल फॉर्म में, इतना फास्ट कर रहे, सुपर फास्ट सब लोग, सुपर फास्ट सब लोग, एकदम सुपर फास्ट बेटा जी। पहले क्या, ओपनिंग क्लोजिंग दिया बेटा, पहले हमने क्या निकाला, एवरेज क्रेडिटर निकाला, फिर क्या किया, पूरे साल का परचेस दिया, उसे आपने क्या निकाला, परचेस पर डे निकाला, हो गया बेटा जी। यहां पे भाई साहब आपका ऑपरेटिंग साइकिल का कंसेप्ट खत्म हो जाता है। अब इस चैप्टर में देखिए बच्चों, अगला बेटा अपना कंसेप्ट है कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब तक बच्चों हमने डिस्कस किया था हाउ टू फाइंड ऑपरेटिंग साइकिल, अभी हमें देखना है क्या है, हाउ टू फाइंड वर्किंग कैपिटल। पहले समझ के लो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। सर जी वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। सर जी वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। सर जी करंट एसेट में क्या आता है, सर जी करंट एसेट में आता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ WIP, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, डेटर्स और कैश आता है। वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालो, आपके पास कितना रॉ मटेरियल का स्टॉक है वो निकालो, कितना WIP का स्टॉक है वो निकालो, कितना फिनिश गुड का स्टॉक है वो निकालो, कितना डेटर्स है वो निकालो, कितना कैश है वो निकालो, उससे आपको मिलेगा करंट एसेट मिलेगा। फिर करंट एसेट में से हम लेस क्या करेंगे, करंट लाइबिलिटी। सर करंट लाइबिलिटी में क्या आता है बेटा, करंट लाइबिलिटी में आता है क्रेडिटर्स आता है, फिर बच्चों उसमें आता है आउटस्टैंडिंग बच्चों वेजेस आएंगे बेटा जी, आउटस्टैंडिंग बेटा ओवरड्राफ्ट आएगा, क्रेडिटर वेजेस ओवरड्राफ्ट आएगा बच्चों, और करंट एसेट में से आप लेस करो करंट लाइबिलिटी तो आपको मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल। एकदम चिल मार के बेटा जी, सबको झेपा बेटा, सबको झेपा जी। अगले सब में निकालना है क्या, वर्किंग कैपिटल, हाउ टू फाइंड वर्किंग कैपिटल, फर्स्ट फाइंड
करंट एसेट, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड, डेटर, कैश निकालो, इससे हम लोग करंट एसेट। देन फाइंड करंट लाइबिलिटी, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ओवरहेड निकालो, फिर करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी लेस करो, आपको ऑटोमेटिकली वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। सर ये रॉ मटेरियल, WIP, डेटर, फिनिश गुड कैसे निकालते? चिल मारो, मैं अगले समय से बताऊंगा बेटा जी। सबको ये तो समझा क्या निकाला बेटा अपने को? अब हम क्वेश्चन देखें बेटा, अब सब नालायक इस क्वेश्चन को प्लीज दो बार ध्यान से पढ़ेंगे। अगर किसी को भी बच्चों, देखो अगर इसका फॉन्ट बेटा अगर छोटा लग रहा होगा, एक मिनट रुको, ठीक है। अगर बच्चों देखो किसी को बेटा इसका, देखो बच्चों फॉन्ट बड़ा छोटा लग रहा है बेटा जी, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, फिर उसको जूम आओ और जूमा के फिर पढ़ो आराम से, ठीक है बेटा जी। अगर फॉन्ट छोटा लग रहा है बच्चों, स्क्रीनशॉट निकालने का, जूमाने का और फिर पढ़ने का, ठीक है। आप क्वेश्चन को भी आराम से दो बार ध्यान से बेटा, क्वेश्चन को आराम से दो बार ध्यान से पढ़ना। छोटा लाइक सब नालायक प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, एकदम आराम चिल मार के क्वेश्चन पढ़ो, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो प्लीज। चलो मैं आपको एक मिनट का समय दे रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ने टाइम दे रहा बच्चों, एकदम आराम से चिल मार के संपर्क बच्चों। तब तक मैं पानी पी लेता हूं, चलिए झुमा सब लोगों ने झुमा के देखा, सब लोगों ने लाइक आई एम बैक आई होप बेटा सबने एकदम झुमा के देखा होगा एकदम आराम से। चलो अब बेटा पढ़ते हैं हम लोग। अब बच्चों क्वेश्चन में देखो क्या बोला, अब देखो नालायक क्वेश्चन में क्या बोला है। ओके बेटा क्वेश्चन में क्या बोला है, अ प्रोफॉर्मा कॉस्ट शीट ऑफ अ कंपनी, एक बच्चों कंपनी कॉस्ट शीट दे बच्चों, एक कंपनी को एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, रॉ मटेरियल का खर्चा आता है 100 रुपए, डायरेक्ट लेबर का खर्चा आता है 37.5 बेटा आता है, ओवरहेड का बेटा खर्चा आता है 75 था बेटा जी, मटेरियल लेबर ओवरहेड, ये सभी मिला के बच्चों 212.5 का खर्चा आ रहा है। उसमें अगर ऐड करेंगे प्रॉफिट तो उनका सेलिंग प्राइस 250, एकदम अच्छी बात है, चिल बात है बेटा जी। ये बेटा कंपनी का बच्चों कौन है, हमारा ये कॉस्ट स्ट्रक्चर बेटा, पहले कॉस्ट आपको दिए मटेरियल लेबर ओवरहेड, उसमें ऐड किया उन्होंने प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस बच्चों मिल गया बेटा जी एकदम आराम से। कुछ और भी इंफॉर्मेशन दिए, रॉ मटेरियल इन स्टॉक 1 मंथ, भाई साहब
भाई साहब क्या बोला है, रॉ मटेरियल स्टॉक 1:1 का मतलब क्या है, रॉ मटेरियल को कंज्यूम करने के लिए, रॉ मटेरियल को कंज्यूम करने के लिए 1 महीने का समय लगता है, रॉ मटेरियल को कंज्यूम करने के लिए 1 महीने समय लगता है। आप आराम से पढ़ो, मैं इसको बाद में सम कर अच्छे से बताऊंगा, इसका मतलब अच्छे से बताऊंगा, टेंशन मत लो बेटा जी, पहले सम को पढ़ लेते बेटा जी, जब मैं सम को सॉल्व करूंगा प्रॉपर बच्चों मैं लॉजिकली बताऊंगा। अरे हाँ इस समय बेटा जी नंबर ऑफ यूनिट्स मिसिंग है, अरे हाँ 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 बराबर है बेटा, इस बच्चे क्वेश्चन में नंबर ऑफ यूनिट्स मिसिंग है, अरे क्या हो गया क्वेश्चन में, बराबर है बराबर है। एक काम करो बच्चों, लेटेस्ट टेक नंबर ऑफ यूनिट एज द 1,04,000, बहुत ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1,04,000 बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक काम करते लेटेस्ट टेक नंबर ऑफ यूनिट एज 75,000 लेते बच्चों, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये मैं बताऊँ बारे बताओ बच्चों बारे बताओ, हाँ बात बता रहा हूँ, बारे बता रहा हूँ राइट। चलो बेटा बाद में बच्चों देखो क्या बोला है, डब्ल्यू आई पी 1 वीक का मतलब क्या है, WIP होल्डिंग बेटा 1 वीक, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्शन करने के लिए 1 वीक का समय लगता है, अच्छी बात है। फिर बच्चों दिया फिनिश गुड का स्टॉक कितना बच्चों दिया है 2 वीक का, इसका मतलब क्या है, फिनिश गुड को बेचने के लिए 2 वीक का समय लगता है, इसका मतलब क्या है, फिनिश गुड को कम से कम 2 वीक के लिए स्टॉक में रखना पड़ेगा। फिर बच्चों क्या बोला, क्रेडिट अलाउड टू सप्लायर, सप्लायर मतलब जिनसे आपने माल परचेस किया था, सप्लायर मतलब जिनसे बेटा माल आपने परचेस किया था उनको बेटा आपने 2 वीक की मोहलत बच्चों, उन्होंने आपको 2 वीक की बच्चों मोहलत दी है, सप्लायर ने आपको 2 वीक की मोहलत दी, मतलब क्या है, सप्लायर का पैसा आप दोगे 2 वीक के बाद में। क्रेडिट अलाउड टू डेटर, डेटर मतलब क्या है, जिनको आपने उधारे में माल बेचा था कस्टमर, आपने उनको मोहलत दिए 4 वीक की, डेटर्स को आपने बोला भाई साहब आपने 4 वीक के बाद में पैसा दिया तो भी चल एकदम आराम से चिल मार के बच्चों। ओके, टाइम लैग इन द पेमेंट ऑफ वेजेस, बच्चों वेजेस का पैसा हम कब दे रहे, 1 वीक के बाद दे रहे, लेबर का पैसा दे रहे 1 वीक के बाद दे रहे बच्चों, और ओहड में टाइम लैग कितना बच्चों 2 वीक के, ओहड का पेमेंट हम दे रहे 2 वीक के बाद दे रहे, एकदम आराम से चिल मार के बच्चों। अब क्वेश्चन में क्या बोला बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोला, कंपनी सेल्स 1/5 ऑफ द आउटपुट अगेंस्ट कैश, कंपनी बच्चों अपने आउटपुट में से 1/5 माल कैश में बेच रहे और बाकी बेटा 4/5 बच्चों माल कंपनी क्रेडिट में बच्चों बेच रहे, 1/5 बच्चों को ने बेटा कैश सेल है और 4/5 बच्चों को ने क्रेडिट सेल, एकदम चिल मार के बेटा जी। कैश इन हैंड है 37,500 है और एक डेटा बच्चों मिसिंग बस लिख लो बच्चों, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड, पूरे साल में हमने 75 यूनिट बना के बेचे बेटा जी, कितने बेचे 70,000 और हमें निकालना है क्या, यू टू फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्किंग, पहले बच्चों बता रहा हूं यहां पे इसका आंसर ऑप्शन से बेटा मैच नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट मैंने अपने मन से दिया है, तो ऑप्शन मत देखना, जो भी आंसर बच्चों आएगा हम देखेंगे बच्चों, जो भी आंसर देखेंगे बेटा जी, समझा समझा बच्चों, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है, यू हैव टू फाइंड द वर्किंग कैपिटल निकालना है, ठीक है सर ट्राई करते हैं, कैसे करेंगे सर जी कैसे करेंगे, देखो भाई साहब एकदम आराम से देखना बच्चों, जिनको आता है नहीं आता है सब एकदम आराम से देखेंगे बच्चों, हमें निकालना है वर्किंग कैपिटल, हम कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर, इनर कॉलम रुपीज एंड आउटर कॉलम रुपीज, एकदम चिल मार के देखो भाई साहब, वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, करंट एसेट, फिर हम निकालेंगे करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट में से आप लेस करो करंट लाइबिलिटी तो आपको मिलेगा वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट में से आपको लेस करो करंट लाइबिलिटी तो आपको मिलेगा वर्किंग कैपिटल बच्चों मिलेगा। सर जी करंट एसेट में क्या निकालेंगे, आप सबसे पहले निकालो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर निकालो स्टॉक ऑफ WIP, फिर फिनिश गुड, फिर डेटर्स, फिर कैश निकालो। सर करंट लाइबिलिटी में क्या निकालेंगे, सर जी करंट लाइबिलिटी हम लोग निकाल क्रेडिटर्स निकालेंगे और आउटस्टैंडिंग वेजेस निकालेंगे, यहां पे बच्चों ओवरहेड के आउटस्टैंडिंग के लिए कुछ नहीं बोला बेटा, ओवरहेड को गोली मारो बेटा जी, नहीं दिया बेटा सॉरी आउटस्टैंडिंग और गोली मत मारना बेटा जी, ओके ये मिल गया, इससे आपको मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। एक आइटम निकाले, सबसे पहले निकाले रॉ मटेरियल,
अब बेटा फोकस करेंगे, अब बेटा फोकस करेंगे। अब बच्चों देखो हमें निकालना है क्या, यू हैव टू फाइंड द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बच्चों हमें निकालना है क्या, रॉ मटेरियल स्टॉक। देखो बच्चों करंट एसेट में रॉ मटेरियल का मतलब क्या है, ईयर के एंड में जितना रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, ईयर के एंड में जितना रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है उसे हम लोग बोलते हैं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और ईयर के एंड में जितना रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है वही तो मेरा करंट एसेट है। मुझे क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, ईयर के एंड में कितना रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, ईयर के एंड में कितना रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, ये मेरा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। एकदम आराम से चिल मार के कैसे करेंगे सर जी, देखो भाई एक यूनिट को बनाने के लिए 100 का लगता है रॉ मटेरियल। देखो भाई एक यूनिट को बनाने के लिए 100 का लगता है रॉ मटेरियल, एक यूनिट को बनाने के लिए 100 का लगता है रॉ मटेरियल। ऐसे पूरे साल में कितने बने, 75,000। भाई साहब एक यूनिट को बनाने के लिए 100 का लगता है रॉ मटेरियल, ऐसे पूरे साल में आपने 75 प्रोडक्शन किया, तो भाई साहब एक के लिए 100 का लगता है हमें रॉ मटेरियल, ऐसे पूरे साल में 75,000 को बनाने के लिए, एक के लिए 100 का लगता है बच्चों रॉ मटेरियल, ऐसे पूरे साल में 70,000 को बनाने के लिए हमने 75 लाख का रॉ मटेरियल कंज्यूम किया था। ये मैंने क्या निकाला, पूरे साल में कितना मटेरियल कंज्यूम किया, एक को बनाने के लिए 100 का लगता है रॉ मटेरियल, ऐसे पूरे साल में 75,000 को बनाने के लिए 75 लाख का रॉ मटेरियल कंज्यूम किया। पूरे साल में जितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया उसमें से कितना मटेरियल एंड में पड़ा हुआ है, 1 मंथ। रॉ मटेरियल स्टॉक का मतलब क्या है, ईयर के एंड में एक महीने का रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, पूरे साल में जितना कंज्यूम किया, पूरा साल मतलब क्या है 12 महीने में जितना कंज्यूम किया उसमें से एक महीने का मटेरियल पड़ा हुआ है, तो पूरे साल में जितना मटेरियल पड़ा हुआ है वही तो मेरा कौन है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है। एकदम चिल मार के बेटा जी, पूरे साल में जितना रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है उसमें से एक महीने का रॉ मटेरियल स्टॉक पेंडिंग है हमारे पास। झेपा नालायक, सॉरी, पूरे साल में जितना बच्चों रॉ मटेरियल कंज्यूम किया था उसमें से एक महीने का स्टॉक पड़ा हुआ है, कितना बच्चों देखो 6.25 लाख का। एक महीना मतलब जो कह रखे 6.25 लाख का बेटा स्टॉक पड़ा हुआ है, वही तो मेरा कौन है स्टॉक ऑफ क्या रॉ मटेरियल, वही तो मेरा कौन है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। एकदम आराम से चिल मार के, ठीक है बच्चों, एकदम आराम से चिल मार के। नेक्स्ट बच्चों देखिए जेपा बच्चों, हाउ टू वन रॉ मटेरियल, पूरे साल में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया निकाला, एक के लिए 100 75 लाख, उसमें से एक महीने का स्टॉक पड़ा हुआ है, स्टॉक है। अब स्टॉक और WIP, बच्चों WIP कितना दे, 1 वीक। इसका मतलब क्या है, WIP का क्या होता है प्रोडक्शन, WIP 1 वीक का मतलब क्या है, पूरे साल में जितना प्रोडक्शन किया बच्चों, WIP 1 वीक का मतलब क्या है, पूरे साल में जितना प्रोडक्शन किया, पूरे साल में जितना प्रोडक्शन किया है उसमें से 1 वीक का WIP पड़ा हुआ है, पूरे साल में जितना प्रोडक्शन क्या है उसमें से 1 वीक का WIP पड़ा हुआ है, यही तो मेरा कौन है क्लोजिंग WIP। अच्छा सर जी, हाँ, तो WIP निकालने के लिए क्या चाहिए, पूरे साल में कितना प्रोडक्शन क्या है, पूरे साल में कितना प्रोडक्शन क्या है, तो WIP के लिए मैं सबसे पहले बनाऊंगा वर्किंग नोट नंबर 1। बेटा मैं सबसे पहले बनाऊंगा वर्किंग नोट नंबर 1, मैं सबसे पहले बेटा बनाऊंगा वर्किंग नोट नंबर 1। बच्चों वर्किंग नोट नंबर 1 में, वर्किंग बच्चों नोट नंबर 1 में ओके, हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो भाई साहब मैं दोबारा बता रहा हूं, WIP निकालने के लिए पहले क्या चाहिए, पूरे साल में कितना प्रोडक्शन के, पूरे साल में कितना प्रोडक्शन के, बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए जो बेटा पूछे शंतनु जी पूछे व्हाट अबाउट एग्जाम पोस्टपोन बैंड। हाँ बेटा एग्जाम बेटा पोस्टपोन तुम्हारा हो चुका है, तुम्हारा अटेम्प्ट ना बेटा अगले डिसंबर में, मैं क्या था 2021 में अटेम्प्ट दे दो मत, तुम 2022 में दो, 2023 में दो बेटा, तुम्हारे लिए बेटा इनफाइनाइट टाइम के लिए तुम्हारा अटेम्प्ट पोस्टपोन हो चुका है, तुम्हारे गुड न्यूज बेटा जी, कांग्रेचुलेशन बेटा जी, आपका अटेम्प्ट पोस्टपोन हो चुका है, ठीक है। ये बाकी नालायक लोग हैं, इनका अटेम्प्ट पोस्टपोन नहीं हो रहा है, इन गधों को पढ़ने दो, ठीक है बेटा ओके।
आप लकी हो, आप लकी हो बेटा जी, यू कैन लीव द लेक्चर। चलो बेटा, चलो भाई साहब, चलो बच्चों अब आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। अब बच्चों देखो WIP बच्चों क्या निकाला पड़ेगा, डब्ल्यू बच्चों पहले क्या, बच्चों WIP बच्चों पहले क्या निकालना पड़ेगा, पूरे साल में कितना प्रोडक्शन बेटा करना पड़ेगा। बच्चों WIP बच्चों देखो बच्चों, ओके अरे तुम मजे मतलब ना लाग, मजे मतलब ना लाग, तुम पहले समझ रहे हो बेटा जी। ओके अब देखो बच्चों WIP बच्चों देखो, WIP बच्चों क्या, WIP बच्चों देखो सबसे पहले बच्चों क्या निकालना पड़ेगा, पूरे साल में कितने का प्रोडक्शन क्या है, पूरे साल में कितने का प्रोडक्शन क्या है। सर हाउ टू फाइंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अरे भाई प्रोडक्शन करने के लिए हमें लगेगा मटेरियल, प्रोडक्शन करने के लिए हमें लगेगा लेबर, प्रोडक्शन करने के लिए हमें लगेगा ओवरहेड। देखो मुझे पहले क्या निकालना है, पूरे साल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है WIP के लिए। पहले सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, हमें पूरे बेटा साल का निकालना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड निकालते। अरे एक के लिए कितना मटेरियल, सर एक के लिए कितना मटेरियल 100, ऐसे पूरे साल में कितना प्रोडक्शन का है 70,000 का। एक के लिए कितना लेबर है सर 37.5 का, ऐसे पूरे साल में कितना प्रोडक्शन का है 75,000। एक के लिए बेटा कितना ओवरहेड है 75, ऐसे पूरे साल में कितना प्रोडक्शन का है 75,000। सबको झेपा नालायक, सबको झेपा नालायक, कोई तकलीफ बच्चों इसमें, कोई तकलीफ बच्चों इसमें, ओके ओके। अब बच्चों देखिए हमें क्या चाहिए, बच्चों देखिए हमें चाहिए क्या बच्चों, हमें क्या चाहिए बच्चों देखो, ओके हमें क्या चाहिए बच्चों देखो, पूरे साल का निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पर हमें निकालना है क्या, पूरे साल में कितना प्रोडक्शन किया। हाउ टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए हमें लगेगा मटेरियल लेबर ओवरहेड। हमने पहले पूरे साल का मटेरियल कॉस्ट निकाला, पूरे साल का लेबर कॉस्ट निकाला, पूरे साल का ओवरहेड कॉस्ट निकाला। अब जिन्होंने टॉपिक बेटा पहले पढ़ाया, मैंने क्लास में बच्चों बताया था WIP में ऐसा बिलीव करते हैं, WIP में क्या आता है, वर्क इन प्रोग्रेस, काम चलता रहता है। WIP में काम पूरा हुआ है क्या, नहीं सर, WIP है ये, फिनिश गुड नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस, काम पूरा नहीं हुआ है। हम WIP के लिए ऐसा बिलीव करेंगे कि WIP के ऊपर विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियल 100% काम हो चुका है, बट लेबर एंड ओवरहेड से सिर्फ 50-50 बच्चों काम हो चुका है। ये 50-50 बच्चों कहां से आता है, मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था, बस बाकी बस ध्यान रखो नालायक। हम ऐसा बिलीव करेंगे कि मटेरियल के लिए WIP पे अभी भी काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। बच्चों हम बेटा ऐसे बोलेंगे बच्चों, ओके बच्चों हम ऐसे बच्चों बोलेंगे कि WIP के ऊपर 100% बच्चों काम हो चुका है और लेबर बेटा ओवरहेड के ऊपर 50-50% काम हो चुका है, ऐसे बिलीव करेंगे बच्चों। अब नालायक, सभी नालायक इन सबका टोटल बताएंगे, बोलो कितना टोटल आ रहा है बताओ बच्चों, करो भाई साहब कैलकुलेशन करो। बोलो कितना आ रहा है सर जी, इसका आंसर कितना आ रहा है, बहुत ही छोटा आंसर बेटा जी, सिर्फ आ रहा है 1,07,81,250। इन सबका बेटा आ रहा है 1,07,81,250 आ रहा है बच्चों। ये मेरा कौन है, पूरे साल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये बच्चों मेरा कौन है, पूरे साल का कॉस्ट ऑफ। सब लोग करके देखो नाला, सब लोग करके देखो एक बार चेक करो यार, मैंने सही के गलत की एक बार चेक करो। नहीं नहीं गलत बेटा जी सॉरी रॉन्ग है बेटा। इसका आंसर बच्चों 1,17,18,750 बच्चों आता है, बराबर मैं गलत सॉल्व किया था। ओके बेटा जी, ये बच्चों मेरा कौन है बता, ये बच्चों मेरा कौन है, पूरे साल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 1,17,18,750। सब नालायक करके देखो कैलकुलेशन क्या बच्चों, 1 करोड़, ये हमने क्या निकाला, पूरे साल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, पर हमने क्या निकाला बच्चों, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों देखो, हाउ टू फाइंड WIP, पूरे साल में जितना प्रोडक्शन किया, पूरे साल में जितना प्रोडक्शन का उसमें से एक वीक का WIP, पूरे साल में जितना प्रोडक्शन किया उसमें से एक वीक का WIP पेंडिंग है। हाउ टू फाइंड एक वीक, मुझे बच्चों पूरे साल में
कितने वीक होते हैं? सब 52 वीक। तो पूरे साल का जितना भी प्रोडक्शन किया है उसमें से एक वीक का WIP पेंडिंग है। पूरा साल मतलब 52 वीक के लिए इतना, तो एक वीक के लिए कितना? पूरे साल में महीने होते 12 और एक साल में वीक होते 52। याद रखे बच्चों, क्लियर भाई साहब? तो पूरे साल में जितना भी प्रोडक्शन किया उसमें से एक वीक का WIP पेंडिंग है। कितना है बोलो, राउंड ऑफ करो बच्चों, कितना बच्चों? देखो 2,25,361 राउंड ऑफ किया मैंने, ये मुझे मिला WIP। सबको झेपा ना, सबको झेपा ना लाए। पूरे साल में जितना बच्चों प्रोडक्शन किया उसमें से एक वीक का WIP पेंडिंग है। एकदम चिल मार के बच्चों, अब निकालना फिनिश गुड। बड़े फिनिश गुड के लिए क्या निकालना पड़ेगा? फिनिश कितना बचा? फिनिश कितना बचा? 2 वीक। कितना बचा? 2 वीक। किसका बचाएगा? पूरे साल का जो कॉस्ट ऑफ सेल है, पूरे साल का जो कॉस्ट ऑफ सेल है उसका 2 वीक फिनिश गुड है। बड़े फिनिश गुड कितना है? 2 वीक। किसका? पूरे साल का जो कॉस्ट ऑफ सेल है। बच्चों फिनिश गुड के लिए क्या निकालना पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ सेल। क्या निकाल बच्चे? कॉस्ट ऑफ सेल निकाल बच्चे, कॉस्ट ऑफ सेल निकालेंगे। हाउ टू फाइंड कॉस्ट ऑफ सेल? अरे भाई साहब, कॉस्ट ऑफ सेल के लिए क्या लगता है? अरे कॉस्ट ऑफ सेल में क्या आएगा? मटेरियल आएगा, लेबर आएगा, ओवरहेड। एक के लिए कितना मटेरियल है? 100। एक के लिए कितना लेबर है? 37.5। एक के लिए कितना बच्चे ओवरहेड है? 75। इंटू ऐसे पूरे साल में कितने? 75। आपको झेपा में क्या करा बच्चों? फिनिश के लिए मुझे क्या चाहिए? पूरे साल का कॉस्ट ऑफ सेल, मटेरियल 100, लेबर 37.5, ओवरहेड 75। भाई साहब यहां पे 100% 50% मत करना, WIP में काम अधूरा था, इसके लिए 100 50 50 क्या था, पर फिनिश गुड में पूरा काम हो चुका है। एक के लिए कितना बच्चों कॉस्ट है? 212.5। ये कॉस्ट ऑफ सेल है, मटेरियल लेबर ओड मिला के। इंटू साल में कितना प्रोडक्शन किया है? 75। कितना बच्चों आ रहा है? 1,59,37,500। ये मेरा पूरे साल का कॉस्ट ऑफ सेल है। अरे पूरे साल का जो कॉस्ट ऑफ सेल है, पूरे साल का जो कॉस्ट ऑफ सेल है उसमें से कितना फिनिश गुड पेंडिंग है? 2 वीक ना बच्चों। पूरे साल का जो कॉस्ट ऑफ सेल है उसमें से 2 वीक का फिनिश गुड पेंडिंग कैसे करेंगे? इंटू 2 / 52। कितना बोलो बच्चों, कितना बोलना लायक? 6,12,981। अरे कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? हाउ टू फाइंड फिनिश गुड? पूरे साल में जितना भी कॉस्ट ऑफ सेल है, जितना भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है उसमें 2 महीने का फिनिश गुड पेंडिंग है। जीपा नालायक, जीपा नालायक। तो बच्चे बोले सर 48 वीक क्यों नहीं किया? बेटा 48 वीक तब करते, मैंने क्लास में बच्चों बताया था, फोटो कब करेंगे? अगर 1 महीने के 4 वीक दिए, अगर 1 महीने के 4 वीक दिए तो साल के 12 महीने के 48 वीक लीजिए। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक, उस बेटा केस में आप साल में 48 वीक लीजिए। अगर कुछ नहीं बोला है तो साल में महीने लीजिए 12 और वीक लीजिए 52। ओके बेटा जी, मिल गया। अब डेटर्स, बच्चों डेटर्स के लिए क्या बोला है? बच्चों डेटर्स को बेटा आपने कितनी बच्चों मोहलत दिए? 4 वीक की। डेटर्स को बेटा मोहलत दिए 4 वीक की। पूरे साल में जितना सेल है, पूरे साल में जितना सेल है उसमें 4 वीक की बेटा मोहलत दी बेटा आपने। 4 वीक का डेटर पेंडिंग है पूरे साल में जो सेल के उसमें से 4 वीक पेंडिंग है। लेकिन भाई साहब अगर कभी बेटा आपने पढ़ा होगा हम यूज क्या करते, कैश कॉस्ट अप्रोच, तो डेटर निकालने के लिए हम यूज क्या करेंगे? सेल या कॉस्ट ऑफ सेल? बच्चों डेटर बच्चों निकालने के लिए हम यूज क्या करेंगे? सेल या कॉस्ट ऑफ सेल? एज पर कैश कॉस्ट अप्रोच ऑलवेज यूज कॉस्ट ऑफ सेल। आपके मॉड्यूल में कुछ सब में बेटा जी सेल से किया है वो गलत है बेटा जी। ऑलवेज यूज कैश कॉस्ट अप्रोच, ऑलवेज यूज कॉस्ट ऑफ सेल। डेटर के लिए क्या चाहिए? पूरे साल का कॉस्ट ऑफ सेल है, ये पूरे साल का कॉस्ट ऑफ सेल है 15,90,000। सर पूरे कॉस्ट ऑफ सेल बच्चों, अब पूरे साल का जो कॉस्ट ऑफ सेल है
कितना रहा बच्चों, देखो कितना बचा रहा है, 1,59,37,500, ये पूरे साल का जो कॉस्ट ऑफ सेल है। लेकिन भाई साहब डेटर किससे बनते हैं, पूरे सेल से या क्रेडिट सेल से? डेटर किससे बनते हैं, क्रेडिट सेल। तो डेटर को निकालने के लिए पहले क्या देखना पड़ेगा, कितना क्रेडिट सेल है, कुछ बोला है क्या सब में? हाँ दिया ना, क्वेश्चन में क्या बोला है, कंपनी सेल 1/5 ऑफ द आउटपुट अगेंस्ट कैश। क्वेश्चन में क्या बोला है, कंपनी अपने सेल में से, कंपनी अपने सेल में से 1/5 कैश में करती है, कंपनी अपने सेल में से 1/5 सेल कैश में करते, इसका मतलब कंपनी 4/5 सेल बेटा क्रेडिट में करती है। हा या ना, झेपा करना लाइक, कंपनी अपने सेल में से 1/5 सेल कैश में करती है, इसका मतलब वो 4/5 सेल क्रेडिट में करते हैं। बोलो हा या ना, झेपा का नालायक, कंपनी बेटा अपने सेल में से 1/5 बेटा कैश में सेल करते, तो 4/5 किस बच्चे करेंगे, क्रेडिट में करेंगे। सबको झेपा नालायक, डेटर्स के लिए क्या चाहिए, क्रेडिट सेल। तो पूरे कॉस्ट ऑफ सेल में से, पूरे कॉस्ट ऑफ सेल में से 4/5 हमारा कौन है, क्रेडिट सेल है। पूरे बेटा कॉस्ट ऑफ सेल में से 4/5 हमारा कौन है, क्रेडिट सेल है। 4/5 निकाल बच्चों, ये जितना भी क्रेडिट सेल है, जितना भी क्रेडिट सेल है उसमें से 4 वीक का पैसा पेंडिंग है। हमने डेटर्स को 4 वीक की बड़े मोहलत दी थी, पूरे साल का निकाला क्रेडिट सेल, उसमें से 4 वीक का पैसा पेंडिंग है। इंटू 4 / 52 कितना बच्चों आएगा, 9,80,769। एकदम आराम से चिल मार के बच्चों, सबको झेपा कर नालायक, सबको झेपा कर नालायक, सबसे कंफर्टेबल है क्या, सबसे कंफर्टेबल है, एकदम आराम से चिल मार के बच्चों। सबसे पहले बच्चों हमने क्या निकाला, स्टॉक और रॉ मटेरियल निकाला, फिर क्या निकाला, WIP निकाला, फिर हमने क्या निकाला, फिनिश गुड निकाला, फिर हमने क्या निकाला, डेटर्स निकाला। पूरे साल में जितना मटेरियल कंज्यूम किया था उसमें से 1 महीने का मटेरियल पेंडिंग था, पूरे साल का जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था उसमें से 1 वीक का WIP पेंडिंग था, पूरे साल का जितना भी कॉस्ट ऑफ सेल था उसमें से 2 वीक का फिनिश गुड पेंडिंग था, पूरे साल का जितना भी क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल है उसमें से 4 वीक का पेंडिंग था, ठीक है। अब कैश, सब में कैश दिया क्या, दिया ना सर। कंपनी कैश कितना मेंटेन करती है, 37,500, ये कंपनी का कैश इन हैंड आपको दिया है। अब जरा इन सबको सम करो बेटा जी, उससे आपको मिलेगा करंट एसेट मिलेगा, जरा सबका सम को नालायक, ओके बच्चों, ये बेटा हमारा कौन है बेटा जी, करंट बेटा सेट है, ये बच्चों मेरा कौन है, करंट बेटा सेट है। सबको झेपा नालायक, सबको झेपा नालायक। अब हम क्या निकालेंगे, करंट लाइबिलिटी। इसमें जो पहले क्या निकले बच्चों, हम लोग करंट निकाल बच्चों, और जो नालायक बेटा पूछा सा एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा, एग्जाम क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा ये तुझे भी नहीं पता है, पर मुझे भी नहीं पता है, बट भाई साहब मोस्टली बेटा अगर ये क्वेश्चन कर लेगा ना, कर लोगे बच्चों आपके आराम से इस पर बेटा जी 4-5 MCQ बनेंगे बेटा जी। एग्जाम इसी का छोटा बेटा पार्ट आएगा, एक ही बड़ा सम पढ़ लो यार, MCQ आराम से बन जाएगा, कुछ बड़ी बात, MCQ आराम से बन जाएगा बेटा जी, कुछ बड़ी बात नहीं है। अब देखो बच्चों, करंट लाइबिलिटी में सबसे पहले करेंगे क्रेडिटर, हाउ टू फाइंड क्रेडिटर। बच्चों क्रेडिटर ने कितनी बच्चों मोहलत दी बच्चों, 3 वीक ना। क्रेडिटर मतलब क्या है, जिनसे माल परचेस किया था, जिन सप्लायर से बच्चों माल परचेस किया था, सप्लायर ने 3 वीक की मोहलत दी। हाउ टू फाइंड क्रेडिटर, पूरे साल में जितना रॉ मटेरियल परचेस किया था, पूरे साल में जितना रॉ मटेरियल परचेस किया था उसमें से 3 महीने का पैसा देना पेंडिंग है। हाउ टू फाइंड क्रेडिटर, पूरे साल में कितना मटेरियल परचेस किया था, एक किलो कितना मटेरियल है, 100 है, एक किलो कितना बच्चों, 100 है, ऐसे कितने बेटा जी, 75,000, एक किलो कितना बच्चों, 100 है, ऐसे कितना बच्चों लिया बेटा जी, 75,000। तो पूरे साल में 75 लाख का रॉ मटेरियल परचेस किया, पूरे साल में जितना रॉ मटेरियल परचेस किया उसमें से 3 वीक का पैसा देना पेंडिंग है। पूरे साल में जितना रॉ मटेरियल परचेस, 3 वीक कितना आ गया बताओ बच्चों,
4,32,692 आ रहा कितना लाख पूरे साल में जितना भी रॉ मटेरियल परचेस किया था भाई साहब, पूरे साल में जितना भी रॉ मटेरियल परचेस किया था उसमें से तीन वीक का पैसा देना पेंडिंग है। झेपा नालायक। नेक्स्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग वेजेस। हाउ टू फाइंड आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस के लिए क्या बोला बच्चों, वेजेस का पैसा कब दे रहे, टाइम लैग इन द पेमेंट कितना बच्चों, 1 वीक। इसका मतलब क्या है बच्चों, वेजेस का पैसा हम कब दे रहे, 1 वीक के बाद में। लेबर का पैसा हम लोग कब दे रहे, 1 वीक के बाद में। इसका मतलब क्या है, पूरे साल में जितना भी लेबर है, पूरे साल में जितना भी लेबर है उसमें से 1 वीक का पैसा पेंडिंग है। टाइम लैग कितना बच्चों, 1 वीक। इसका मतलब क्या है, पूरे साल में जितना भी लेबर है, पूरे साल में जितना भी लेबर है उसमें से 1 वीक का पैसा बेटा क्या है, आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, अब बता कैसे करेंगे। एक के लिए कितना लेबर है, 37.5। साल में कितना प्रोडक्शन क्या है, 75,000। एक के लिए 37.5, ऐसे 75,000 कितना बच्चा आएगा, 28,12,500 बच्चों लेबर आएगा। पूरे साल में जितना भी लेबर है, पूरे साल में जितना भी लेबर है उसमें से 1 वीक का पैसा पेंडिंग है। कितना बच्चों, 1 वीक का पैसा पेंडिंग है। करो नालायक कितना आएगा बोलो। सर जी ये आ रहा है 54,086 आ रहा है सर, या 087 बोला तो भी चलेगा। अब ओवरहेड कैसे निकालेंगे सर, ओवरहेड का पैसा कब दे रहे, 2 वीक के बाद। टाइम लैग 2 वीक का, इसका मतलब क्या है, पैसा कब देंगे, 2 वीक के बाद में। तो पूरे साल में जितना भी ओवरहेड है उसे 2 वीक का पैसा पेंडिंग है। एक के लिए कितना बच्चों ओवरहेड है, 75। पूरे साल में जितना ओवरहेड है उसमें से 2 वीक का पैसा पेंडिंग है। कितना का नालायक, 2,16,340 आ रहा बच्चों। पूरे साल में जितना बच्चों ओवरहेड है उसमें से 2 वीक का पैसा पेंडिंग है। इन सबका सब मिलेगा, करंट लाइबिलिटी मिलेगा। कितना बच्चों बताओ, क्या मेरा कैलसी खराब हो गया, कैलसी खराब हो गया। चलो तुम करके बताओ कितना आ रहा बताओ बच्चों। चलो बच्चों फर्स्ट पॉइंट करंट लाइबिलिटी, फिर बच्चों क्या करो, करंट एसेट में से लेस करो करंट लाइबिलिटी। फर्स्ट फाइंड बच्चों करंट लाइबिलिटी बच्चों निकालो, फिर इस करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी बच्चों लेस करो, आपको मिलेगा वर्किंग कैपिटल। चिल मार के बता बच्चों, सबको झेपा नालायक, सबको झेपा नालायक, सबको झेपा नालायक। कोई तकलीफ, कोई क्वेरी बेटा जी, कितना बताओ बच्चों, इतना बच्चों बताओ बच्चों, 7,03,124। ओके, अब बैठ करा सॉल्व, कर बच्चों सॉल्व बच्चों करो। करंट एसेट में से लेस करो करंट लाइबिलिटी, करंट बच्चों एसेट में से लेस करो करंट लाइबिलिटी, तो आपको क्या मिलेगा, वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। एकदम आराम से चिल मार के, एकदम आराम से चिल मार के बच्चों मिल जाएगा। सबको झेपाना, सबको झेपाना लायक, सबको झेपाना लायक। अब करो बच्चों, करंट बेटा एसेट में से लेस करो करंट लाइबिलिटी, कितना बचा रहे बताओ, 1 लाख, नहीं सॉरी कितना रहा बच्चों, 17,78,486। ये बच्चों को ना बच्चों, ये हमारे वर्किंग बेटा कैपिटल, एकदम चिल मार के बच्चों आ रहा बेटा जी। अब बता बच्चों, अब बता बच्चों, आपको ये फंडा सबको समझा, एकदम आराम से चिल मार के। सबको झेपा नालायक, सबको झेपा नालायक। दिस इज कंसेप्ट वर्किंग कैपिटल। तो यहां पे भाई साहब अपना वर्किंग कैपिटल खत्म होता है, लेकिन पिक्चर बेटा भी बाकी है। कल का जो टॉपिक पेंडिंग था उसे हमें खत्म करना, तो पहले काम करते बच्चों, आज जितना बेटा हमने पढ़ा उसका पहले स्क्रीनशॉट निकाल बच्चों, स्क्रीनशॉट निकाल बच्चों, फोटो निकाल इसका, जिनको मांगता बच्चों फोटो निकाल इसका, फोटो निकाल बच्चों इसका, निकाल फोटो निकाल इसका, फोटो निकाल बेटा इसका, निकाला फोटो बेटा, स्क्रीनशॉट निकाला, डन डन, स्क्रीनशॉट हो गया, स्क्रीनशॉट डन। अब भाई साहब इसका निकालो फोटो, निकाला स्क्रीनशॉट डन। अब इसका निकाली तो टाइम पास है यार, इसका निकालो टाइम पास है। अब इसका निकालो बच्चों,
अब इसका निकल पर फोटो निकाल, इसका फोटो निकाल बच्चों। अब इसका बच्चों फोटो, इसका बच्चों फोटो निकालो, इसका बच्चों फोटो निकालो। अब नालायक इसका, इसका फोटो निकालो, इसका फोटो निकालो, नालायक निकालो फोटो, इसका बच्चों फोटो निकालो। डन भाई साहब, डन 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 डन। चलो अब बच्चों एक काम करें बच्चों, बस मैं एक मिनट के अंदर बच्चों कैमरे के बच्चों बैटरी भी चेंज करता हूँ, और बैटरी चेंज करने के बाद में हम लोग बच्चों कल का टॉपिक खत्म। बड़ा नहीं बेटा, मैक्सिमम बेटा जी 10 से बच्चों 15 मिनट मिलेंगे बच्चों, 10 से 15 मिनट में कल का पार्ट खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 10 मिनट खत्म हो जाएगा, 10-15 मिनट में बेटा जी, जस्ट 10-15 मिनट बेटा जी खत्म हो जाएगा, ठीक है, एकदम आराम चिल मार खत्म हो जाएगा। चलो आई एम बैक। चलो बेटा जी अभी कल का पार्ट निकाल रहा हूं, कल का जो पार्ट था निकाल रहा हूं। कल का वर्किंग कैपिटल कहां पे रखा था, वर्किंग कैपिटल जस्ट एक मिनट रुक जाओ। ये तो आज का टॉपिक है, कल कैपिटल स्ट्रक्चर था ना,
मिल गया। अब बच्चों देखो कल जो पेंडिंग था उसको खत्म, कल जो पेंडिंग खत्म करना पड़ता है बच्चों। एक मिनट, थोड़ा सा स्क्रीन भी चेंज करते हैं, एडजस्ट करते स्क्रीन को। चले चलो, डन 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 डन। अब बच्चों कल तो बच्चों देखो कैपिटल बच्चों स्ट्रक्चर में दो क्वेश्चन पेंडिंग, दोस्तों खत्म करते हैं, चैप्टर खत्म हो जाए, चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल बच्चों दो क्वेश्चन पेंडिंग थे। कल जहां तक बड़ा मुझे याद है ना, सबसे पहला बच्चों क्वेश्चन पेंडिंग थे, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा पेंडिंग था, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा पेंडिंग था, और साथ में बेटा पेंडिंग था क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 बेटा पेंडिंग था, 5 और बड़े क्वेश्चन से बड़े पेंडिंग था, उसे खत्म करते हैं। चलो भाई साहब, सबसे पहले क्वेश्चन 5 को देखो, क्वेश्चन 5 को देखिए, एकदम चिल्लर है, टाइम पास क्वेश्चन है बेटा, बस गिन के बच्चों 10 से 15 मिनट में दोनों बड़े सब हो जाएगा, सबने सुनो समझ जाएंगे बेटा जी। चलो भाई साहब, सब लोग क्वेश्चन 5 को प्लीज ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन 5 को प्लीज ध्यान से पढ़ेंगे। वो 2 लाख, वो 2 लाख है बच्चों, वो 2 लाख है बच्चों, वो 2 लाख है सागर, 2 लाख है बेटा सागर, 2 लाख है। आप पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर पढ़ा पड़ता, टेंशन मतलब क्वेश्चन जो पढ़ूंगा पूरा समझेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। जिनको थोड़ा पढ़ने में तकलीफ है टेंशन मतलब, जो क्वेश्चन में भी जो पढ़ूंगा आपको समझेगा अच्छे से बेटा जी, डोंट वरी। ठीक है नालायक, अब पढ़ो क्वेश्चन, अब पढ़ो क्वेश्चन, देखो एकदम चिल्लर क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, एक्स वाई जेड लिमिटेड नीड्स कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख, ये 2 लाख है बच्चों। एक्स वाई बच्चों कंपनी को 2 लाख का चाहिए कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट, उन्हें बच्चों इन्वेस्ट करना है, और इन्वेस्ट करने के लिए उन्हें 2 लाख का बेटा कैपिटल, उन्हें 2 लाख का फंड चाहिए, अच्छी बात है। दे आर प्लानिंग टू रेस 50% बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, देखो बच्चों उन्हें बच्चों 2 लाख का फंड चाहिए, वो 2 लाख रुपए कैसे रेस करें, 2 लाख में से 50% मतलब 1 लाख रुपए वो रेस कर रहे बाय द इक्विटी शेयर, और 2 लाख में से आधा मतलब वो 1 लाख रुपए रेस कर रहे बाय प्रिफरेंस शेयर। 2 लाख में से बेटा आधा मतलब क्या है, 1 लाख रुपए वो रेस करे इक्विटी शेयर से, और 2 लाख में से आधा मतलब 1 लाख वो रेस करे प्रिफरेंस शेयर से। ओके बच्चों, इक्विटी शेयर इश्यू करे एट प्रीमियम, ठीक, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, और प्रिफरेंस ये बच्चों आधा रेस किया, और प्रिफरेंस शेयर का डिविडेंड कितना बच्चों 8% है, 8% डिविडेंड है बच्चों। मैं दोबारा बता बच्चों, उनको बच्चों एक्सपांशन बेटा करने के लिए बच्चों देखो, ओके, उनको बच्चों 2 लाख चाहिए बच्चों, 2 लाख में से आधा मतलब 1 लाख वो रेस करे इक्विटी शेयर से, और 2 लाख में से आधा मतलब 1 लाख वो रेस कर रहे प्रिफरेंस शेयर से, अच्छी बात है।
प्रिफरेंस शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड 8% है, ध्यान में रखना बेटा जी। अब क्या बोला है? उनका एक्सपेक्टेड ईबीआईटी 80,000 है, ठीक है, टैक्स रेट 50% है, ठीक है, और आपको निकालना क्या है? फाइनेंशियल बीपी निकाल। अब देखो बच्चों, ये नया बेटा कंसेप्ट है, फाइनेंशियल बीपी। बच्चों आपने नॉर्मल बेटा बीपी सुना होगा, बीपी मतलब क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं व्हाट इज नॉर्मल बीपी एंड व्हाट इज फाइनेंशियल बीपी। नॉर्मल बीपी मतलब ऐसा सेल जहां पे प्रॉफिट क्या होता है? जीरो। ऐसा सेल जहां पे प्रॉफिट क्या होता है? जीरो। देखो बच्चों, आपको सबको पता है, सेल में से अगर लेस करोगे वेरिएबल कॉस्ट तो आपको मिलता है कॉन्ट्रीब्यूशन, उससे लेस करो फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको मिलता है प्रॉफिट। दिस प्रॉफिट इज नथिंग बट योर ईबीआईटी। उसमें से लेस करो इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा ईबीटी, ईबीटी से लेस करो टैक्स तो आपको मिलेगा पैट, पैट में से लेस करो प्रिफरेंस शेयर का डिविडेंड तो आपको मिलेगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये पता होगा बच्चों। नॉर्मल बेटा बीपी का मतलब बच्चों देखो क्या होता है। बच्चों देखो, ऐसा सेल जहां पे प्रॉफिट मतलब ईबीआईटी जीरो होता है, ऐसा सेल जहां पे ना प्रॉफिट ना लॉस होगा, ऐसा सेल जहां पे बेटा प्रॉफिट जीरो होता है, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल बीपी। अब फाइनेंशियल बीपी का मतलब क्या है? ऐसा ईबीआईटी जहां पे अर्निंग अवेलेबल जीरो आएगा, ऐसा ईबीआईटी जहां पे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर जीरो होता है, उसे फाइनेंशियल बीपी। आपको झेप रहा है बच्चों? ऐसा सेल जहां पे प्रॉफिट जीरो होता है, दैट सेल इज कॉल्ड एज नॉर्मल बीपी। और ऐसा ईबीआईटी जहां पे अर्निंग अवेलेबल जीरो होता है, दैट इज कॉल्ड एज अर्निंग अवेलेबल बोलो या ईपीएस बोलो। जब ईपीएस बच्चों क्या होता है, अर्निंग को डिवाइड करो नंबर ऑफ शेयर से, ईपीएस मिलेगा। ऐसा ईबीआईटी जहां पे ईपीएस क्या होता है? जीरो, देखो फाइनेंशियल बीपी बोलते बच्चों। क्लियर है बच्चों? तो व्हाट इज फाइनेंशियल बीपी? फाइनेंशियल बीपी इज सच ईबीआईटी एट विच अर्निंग अवेलेबल और ईपीएस इज जीरो। ऐसा ईबीआईटी जब ईपीएस जीरो होता है। ओके सर, कैसे निकालते हैं बच्चों? फाइनेंशियल बच्चों बीपी का फॉर्मूला होता है, फाइनल बच्चों बीपी का फॉर्मूला, टाइम पास बच्चों पर फॉर्मूला बच्चों होता है, इंटरेस्ट प्लस प्रिफरेंशियल का डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। देखो बच्चों, फाइनेंशियल बच्चों बीपी का बच्चों फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? इंटरेस्ट प्लस प्रिफरेंशियल का डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। सर ऐसे क्यों किया बच्चों? इंटरेस्ट क्या था? टैक्स के पहले था बच्चों। इंटरेस्ट क्या था? टैक्स के पहले था। बट डिविडेंड क्या था? प्रिफरेंस का डिविडेंड क्या था? टैक्स के बाद था। इंटरेस्ट क्या था? टैक्स के पहले था। प्रिफरेंस का डिविडेंड टैक्स के बाद था। तो डिविडेंड को भी आपको निकालना है बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट तो पहले से बिफोर टैक्स था, डिविडेंड को बिफोर टैक्स करने के लिए डिवाइड करो 1 माइनस टी से। चिल मारो, देखो फॉर्मूला बच्चों। बता बच्चों, फाइनेंशियल बच्चों बीपी का फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। आपको निकाला है फाइनेंशियल बीपी। बताओ इस बच्चों क्वेश्चन में इंटरेस्ट कितना है? अरे सर कोई डेप्ट है नहीं सर, डेप्ट नहीं है। इंटरेस्ट कितना है? जीरो। प्रिफरेंस शेयर का डिविडेंड? सर प्रिफरेंस शेयर 1 लाख है, उसका डिविडेंड 8% है। सर प्रिफरेंस शेयर 1 लाख है, 1 लाख के प्रिफरेंस शेयर के ऊपर 8% से डिविडेंड आएगा 8,000 अपॉन 1 माइनस टैक्स। टैक्स कितना बच्चों? 50% मतलब 0.5। टैक्स कितना बच्चों? 50% मतलब 0.5। एकदम आराम से चिल मार के सबको झेपा ना लाइक। नाउ कैन यू फाइंड अ फाइनेंशियल बीपी? अब करो बच्चों, 8,000 डिवाइडेड बाय 0.5 कितना आएगा? 16,000। दिस इज माय फाइनेंशियल बीपी। एकदम चिल मार के सब बेटे से कंफर्टेबल है क्या? बोलो हा या ना। क्या फॉर्मूला है? इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। इंटरेस्ट आपको दिया नहीं, जीरो है, डिविडेंड 8,000 है, टैक्स 50% 0.5। बच्चों आप करो बच्चों सॉल्व। ऑप्शन कौन सा बताओ बच्चों? ऑप्शन बच्चों कौन सा? ए आ रहा बच्चों, फाइनेंशियल बीपी कितना दिया? 16,000 है, एज देर इज नो इंटरेस्ट पेमेंट बट प्रिफरेंस का डिविडेंड बच्चों 8,000 है, सो फाइनेंशियल बीपी आएगा 16,000। एकदम ए बेटा सही है, चिल मार के बच्चों।
पूरा बच्चों के बाद खेल बच्चों फर एकदम टाइम पास है बच्चों, सबको जी पा नालायक फाइनेंशियल बच्चों बीपी कैसे निकाला सर जी, इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड अपॉन वन माइनस टी। स्क्रीन बेटा क्लियर नहीं, प्लीज एडजस्ट करो बेटा जी, अमन कोई तकलीफ उसके लिए, उसके लिए बेटा कुछ कर नहीं सकते बेटा जी, प्लीज एडजस्ट स्क्रीन बेटा जी को, ऑप्शन है उसके लिए, ऑप्शन नहीं बेटा उसके लिए, ऑप्शन नहीं है ठीक है। चलो अब बच्चों अब मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर छह, क्वेश्चन नंबर छह इज द प्रॉब्लम ऑफ इनडिफरेंस पॉइंट, इनडिफरेंस पॉइंट। अब सब नालायक क्वेश्चन छह को ध्यान से पहले पढ़ो फिर बता रहा क्या होता है, क्वेश्चन छह क्या होता है पहले पढ़ो आराम से बच्चों, क्वेश्चन छह पढ़ो। चलो सब नालायक क्वेश्चन छह को प्लीज ध्यान से पढ़ना अच्छे से, क्वेश्चन छह प्लीज दो बार ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन छह को प्लीज दो बार ध्यान से पढ़ना। चलो बेटा जी पढ़ा क्वेश्चन, देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला है, अल्फा लिमिटेड रिक्वायर्स फंड्स अमाउंट टू 80 लाख। बच्चों अल्फा बच्चों लिमिटेड को अपने नए बच्चों पढ़ने के लिए उनको 80 लाख का फंड चाहिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है बेटा। अल्फा बच्चों लिमिटेड के बच्चों को अपने नए बच्चों पढ़ने के लिए बच्चों को उनको बच्चों देखो उनको 80 लाख का बच्चों फंड चाहिए, उनको बच्चों 80 लाख का बच्चों फंड चाहिए, अच्छी बात है। टू रेज द फंड कंपनी हैज फॉलोइंग टू ऑप्शन, उनको बच्चों 80 लाख का फंड चाहिए बेटा जी, 80 लाख का बेटा फंड रेज करने के लिए कंपनी के पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन वन और ऑप्शन टू। ऑप्शन वन में क्या कर रहे, टू इशू इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ पार, वो क्या कर रहे बच्चों इक्विटी शेयर इश्यू करे 100 का शेयर 100 में कितने 60 लाख। बच्चों ऑप्शन वन में क्या कर रहे, 60 लाख रुपए किससे रेस करे, इक्विटी शेयर से बच्चों रेस करे, और बैलेंस मतलब कितना 20 लाख वो क्या कर रहे बोरो कर रहे, मतलब बाकी 20 लाख बच्चों लोन ले रहे, और लोन का इंटरेस्ट कितना बच्चों 12%। मैं दोबारा बता बच्चों इस बच्चों कंपनी को बच्चों देखो, इस बच्चों कंपनी बच्चों देखो, इस कंपनी को भाई साहब, इस बच्चों कंपनी को भाई साहब, इस कंपनी को भाई साहब, इस कंपनी को 80 लाख चाहिए थे, 80 लाख रेस करने के लिए दो ऑप्शन है, 80 लाख रेस करने के दो ऑप्शन है। ऑप्शन वन क्या करेंगे, 60 लाख किससे बच्चों रेस करेंगे, 60 लाख रेस करेंगे इक्विटी शेयर से, और दूसरा क्या करेंगे रिमेनिंग 20 लाख, रिमेनिंग बच्चों 20 लाख के लिए क्या करेंगे वो लोन लेंगे, और लोन का बच्चों इंटरेस्ट कितना 12%, अच्छी बात है, ऑप्शन वन है बेटा जी। ऑप्शन टू में क्या बच्चों, ऑप्शन टू में क्या करेंगे, टू इश्यू इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 एंड 12% डिबेंचर इन इक्वल प्रपोर्शन। ऑप्शन टू में क्या करे, इक्विटी शेयर और डिबेंचर इक्वल प्रपोर्शन, मतलब क्या है 40 लाख का इक्विटी और 40 लाख का बच्चों डिबेंचर है, और डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। सब बच्चों कंफर्टेबल इससे बच्चों, क्या सब बच्चे कंफर्टेबल है क्या, एकदम आराम से चिल मार के सबको झेपा नालायक बच्चों। दोबारा बच्चों दोबारा बता रहा बच्चों, इस कंपनी को 80 लाख रेस करने थे दो ऑप्शन है, ऑप्शन वन में 60 लाख रेस के इक्विटी से और 20 लाख रेस के लोन से, लोन का इंटरेस्ट 12% है, ऑप्शन टू में 40 लाख इक्विटी 40 लाख डिबेंचर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। इनकम टैक्स का रेट आपको दिया 30%, 30% बच्चों ये टैक्स का बच्चों रेट है, और क्वेश्चन में क्या है फाइंड आउट द इनडिफरेंस पॉइंट। अब देखो बच्चों व्हाट इज इनडिफरेंस पॉइंट, प्लीज समझना जिनको पता ध्यान सुना बच्चों। देखो कंपनी के पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन वन और ऑप्शन टू। ऑप्शन वन में पैसा रेस करेंगे इक्विटी प्लस लोन से, ऑप्शन टू में पैसा रेस करेंगे इक्विटी प्लस डिबेंचर से। इन डिफरेंस पॉइंट के लिए पहले मैं लिख रहा हूं इनकम स्टेटमेंट, ईबीआईटी से लेस करो इंटरेस्ट,
मिलता है ईबीटी। ईबीटी से लेस करो टैक्स, आपको मिलेगा पैट। सब में कोई प्रिफरेंशियल नहीं बच्चों, कोई प्रिफरेंशियल नहीं बेटा जी। तो जो पैट है वही मेरा कोने अर्निंग अवेलेबल है, कोई प्रिफरेंशियल नहीं बच्चों, जो पैट है वही अर्निंग अवेलेबल है। इस अर्निंग को डिवाइड करो नंबर ऑफ शेयर से, अर्निंग को डिवाइड करो नंबर ऑफ शेयर से, तो ईपीएस मिलेगा। पता है क्या बच्चों आपको? ईबीटी से बच्चों लेस करो इंटरेस्ट, आपको ईबीटी मिलेगा। उससे बच्चों लेस करो टैक्स, तो बच्चों आपको क्या मिलेगा? बच्चों पैट बेटा मिलेगा। जो पैट है वही कोने अर्निंग अवेलेबल है, और अर्निंग को डिवाइड कर नंबर ऑफ शेयर से ईपीएस मिलेगा। अब भाई साहब इनडिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है? कंपनी के पास दो ऑप्शन है, कंपनी कंफ्यूज है, ऑप्शन वन से पैसा रेस करे या ऑप्शन टू से रेस करे। हमने बोला भाई तुम चिल मारो, तुम टेंशन मत लो, तुम किससे भी रेस करो फर्क नहीं पड़ा। कंपनी ऐसे कैसे? हम बोलते हम बोलते भाई साहब एक काम करो, टेंशन मत लो, हम आपको ऐसा ईबीआईटी बताएंगे, हम आपको ऐसा ईबीआईटी बताएंगे ना जिससे आप पैसा ऑप्शन वन से रेस करो या ऑप्शन टू से रेस करो, आपका ईपीएस क्या आएगा? सेम ही आएगा रे। आपको मेन प्रॉब्लम क्या? ईपीएस से प्रॉब्लम है। तो ऐसा ईबीआईटी आपको बताते जिससे पैसा ऑप्शन वन से रेस करो या ऑप्शन टू से रेस करो, दोनों का ईपीएस क्या आएगा? सेम आएगा। तो ऐसा ईबीआईटी जहां पे दोनों का ईपीएस सेम आता है, दैट इज कॉल्ड एज इनडिफरेंस पॉइंट। नाम में लिखा है इन अ डिफरेंस, अरे हमें कुछ डिफरेंस नहीं है, हमें कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ऑप्शन वन से रेस करो या ऑप्शन टू से रेस करो, ईपीएस क्या आएगा? सेम आएगा। तो भाई साहब बच्चों इन डिफरेंस बच्चों पॉइंट का बड़ा मतलब क्या होता है? ऐसा ईबीआईटी जहां पे दोनों का ईपीएस क्या आता है? सेम होता है। ऐसा ईबीआईटी दोनों का ईपीएस सेम होता है। ओके सर जी, तो क्या करेंगे इन डिफरेंस पॉइंट के लिए? हमें ईबीआईटी निकालना है। लेट अस अज्यूम दैट वो ईबीआईटी एक्स है, जिनका कैलकुलेशन वी के ध्यान से देखो बच्चों। लेट अस अज्यूम ईबीआईटी एक्स है, हम ईबीआईटी एक्स लेंगे बेटा जी। सबसे पहले फर्स्ट का निकालेंगे ईपीएस, सेकंड का निकालेंगे ईपीएस, करते बेटा जी। पहले दोनों का ईपीएस निकाले, पहले फर्स्ट का ईपीएस। देखो बच्चों जो बेटा फॉर्मूला से बेटा करते होंगे ना, फॉर्मूला से मत करना फंसोगे। मैं जो लॉजिक बड़ा उस चार्ट से बड़ा इजी पड़ेगा, टेबल से करो इजी पड़ेगा बेटा जी। अब बच्चों ईबीआईटी बच्चों निकाल, बच्चों ईबीआईटी निकाल बच्चे। लेट अस फाइंड ईबीआईटी, सॉरी लेट अस फाइंड ईपीएस। पहले बच्चों ईपीएस पता बच्चों, हाउ टू मेक ईपीएस? पहले ऑप्शन वन क्या करेंगे सर? ईबीआईटी से लेस करो इंटरेस्ट। बोलो ऑप्शन वन में कितना इंटरेस्ट है? सर जी ऑप्शन वन में लोन से रेस किया 20 लाख। सर जी ऑप्शन वन में लोन से रेस किया 20 लाख, और सर 20 लाख के ऊपर 12% से इंटरेस्ट आएगा 2,40,000। सर जी ऑप्शन वन में लोन से रेस किया 20 लाख, और 20 लाख के ऊपर 12% इंटरेस्ट आ रहा है, 2,40,000 इंटरेस्ट आ रहा है सर जी। ओके बेटा जी, अब क्या करेंगे? ईबीआईटी से लेस करो इंटरेस्ट, ईबीआईटी एक्स से इंटरेस्ट 2,40,000, तो ईबीटी कितना आएगा? एक्स माइनस 2,40,000 मिलेगा ईबीटी। अब ईबीटी से लेस करो टैक्स, तो पैट मिलेगा। टैक्स कितना दिया सर? टैक्स दिया है 30%। प्लीज फोकस करो बच्चों, ईबीटी का 30% टैक्स है, 30% टैक्स जाने के बाद में पैट कितना बचेगा? 70%। अरे ईबीटी में से 30% टैक्स जाने के बाद में पैट बचेगा 70%। मैं डायरेक्ट बच्चों पैट बता रहा हूं, ईबीटी में से 30% टैक्स गए, पैट कितना बचेगा? 70%। हर एक का 70% लो, एक्स का 70% कितना आएगा? 0.7x। फिर 2,40,000 का 70%, चलो कल से मेरे कल से खराब बेटा, 2,40,000 का 70% कितना आएगा? आई थिंक वो आ जाएगा 1,68,000 आएगा। एम आई करेक्ट? ये पता लग, मैंने क्या किया? ईबीटी में से 30% टैक्स हटाए तो कितना बचा है? 70% पैट बचा है। ईबीटी का 70% टैक्स है बच्चों, एक्स का 70% 0.7x से 2,40,000 बच्चों 1,68,000 आ रहा है बच्चों, ये पैट आ रहा है। इस पैट को डिवाइड कर नंबर ऑफ शेयर, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ शेयर? सर ऑप्शन वन में इक्विटी शेयर का बड़ा 60 लाख है सर, इक्विटी 60 लाख है सर, एक शेयर 100 का है, 100 में एक शेयर तो 60 लाख में आएंगे 60,000 शेयर, 100 में एक शेयर तो 60 लाख में आएंगे 60,000 शेयर।
कैन यू फाइंड ईपीएस? यस सर जी, हाउ टू फाइंड ईपीएस? हाउ टू फाइंड ईपीएस? सर पैट को डिवाइड करो, सर पैट को डिवाइड करो नंबर ऑफ शेयर से, ये मिला ईपीएस ऑफ फर्स्ट ऑप्शन। पैट को डिवाइड करो नंबर ऑफ शेयर से, ये आपको मिला ईपीएस ऑफ फर्स्ट ऑप्शन। ओके बेटा जी, अब हम क्या करेंगे ईपीएस ऑफ सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में ईपीएस के लिए ईबीआईटी अगर एक्स है, इंटरेस्ट कितना है? सर सेकंड ऑप्शन में डिबेंचर 40 लाख का है, सर 40 लाख के डिबेंचर के ऊपर 12% से इंटरेस्ट आएगा 4,80,000। आई होप आपका कैलकुलेशन पे ध्यान है, नालक नींद में तो नहीं ना बेटा जी, ध्यान में कैलकुलेशन में। 40 लाख के डिबेंचर के ऊपर 12% इंटरेस्ट है 4,80,000। अब बच्चों कैसे करेंगे, बच्चों देखो आप एक्स में से लेस करो 4,80,000, ये मिलेगा ईबीटी। ईबीटी में से 30% टैक्स गया, कितना पैड? पैड कितना बचेगा? 70%, दोनों का 70% लो बच्चों, यहां पे आएगा 0.7x आएगा बच्चों। अब इसका 70% आला है कितना आएगा देखो बच्चों, वो आएगा शायद से 3,36,000 आएगा, चेक को नाला एक्स में से 4,80 बच्चों लेस किया तो ईबीटी मिला। और बच्चों ईबीटी का बच्चों 70% बच्चों पैट है, एक्स का 70% 0.7x है, 4,80 70% 3,36,000 बेटा जी, ऐसा होना बेटा जी, ये मिला क्या पैट। अब इस पैट को डिवाइड नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर है? अरे सर 40 लाख का शेयर कैपिटल है तो नंबर ऑफ शेयर कितना आएंगे 40,000 करो। अब पैट को डिवाइड करो नंबर ऑफ शेयर से तो आपको मिलेगा ईपीएस। ढेंटेड एंड ये आपने क्या निकाला, ईपीएस ऑफ फर्स्ट ऑप्शन और ईपीएस ऑफ सेकंड ऑप्शन। अब क्या करेंगे सर जी, अरे हमें निकालना है क्या है ईबी, हमें इनडिफरेंस पॉइंट, इनडिफरेंस पॉइंट यहां पर कलेक्शन आगे कलेक्शन। इनडिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है, एट इनडिफरेंस पॉइंट क्या होता है भाई साहब? इनडिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है, ऐसा ईबीआईटी जहां पे दोनों का ईपीएस सेम आएगा, ईपीएस ऑफ फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड बोथ आर सेम, ऐसा ईबीआईटी जहां पे दोनों का ईपीएस क्या सेम होता है। तो इनडिफरेंस पॉइंट पे ईपीएस ऑफ फर्स्ट ऑप्शन एंड ईपीएस ऑफ सेकंड बोथ आर सेम, बोलो फर्स्ट का कितना ईपीएस है 0.7x माइनस 1,68,000, नीचे कितना आएगा 60,000। सेकंड में कितना बच्चों आएगा 0.7x माइनस 3,36,000 डिवाइड बाय करो 40,000 जीपा ना लाइक फर्स्ट का लिखा ईपीएस दोनों के बच्चे इक्वेट कर, अभी सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, यहां से 4,0 कट करो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सबको आता बच्चे कैलकुलेशन, 4 से यहां पे मल्टीप्लाई करो और 6 से यहां पे मल्टीप्लाई करो, पहले 4 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो, 4 × 0.7 कितना आता है 2.8x, 4 × 0.7 2.8 और 4 × करो 1,68,000 करो कितना आएगा, वो आएगा 6,72,000 आएगा, चेक को ना लाइक तुम लोग, 6 से बड़ा मल्टीप्लाई करो 6 × 0.7 कितना आएगा 4.2x, फिर 6 × बच्चे करो 6 × बेटा करो 3,36,000 करो मल्टीप्लाई ना लाइक कितना आएगा, ये 192 प्लस 195 ये चेक करो बेटा, चेक करो, चेक करो बेटा, चेक करो, चेक करो बेटा, मैं और लिख कर रहा हूं तुम एक बार चेक करो ना लाइक, नहीं कुछ गड़बड़ किया मैंने, गड़बड़ किया, गड़बड़ किया मैंने, टू जीरो वन है बेटा बच्चों, 2,00,000 सॉरी क्या आएगा बच्चों 20,16,000 Now, can you find x करो बच्चों, this divided 1.4 करो, 1.4 divided करो कितना आ रहा है बच्चों, divided 1.4 करो कितना आ रहा है बोलो, yes yes बच्चों,
कौन नालायक कितना आएगा, नालायक करोड़ कितना आएगा बताओ, बोले कितना बच्चा आंसर आएगा, कितना बच्चा आ रहा है, 9,60,000 आ रहा है क्या, बिलीव करो चलेगा बेटा जी, ये जो एक्स आ रहा बच्चों वही ईबीआईटी है, एक्स ईबीआईटी, ये ऐसा ईबीआईटी है जहां पे दोनों के पेज पर जो सेम आता है वही इनडिफरेंस पॉइंट है बच्चों। ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन बच्चों आ रहा है बी, सबको झेपा के बच्चों, इनडिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है, ऐसा ईबीआईटी जहां पे दोनों का बच्चों ईपीएस सेम आता है, फर्स्ट का निकालो ईपीएस, सेकंड का निकालो ईपीएस, दोनों इक्वेट करो और जो जो एक्स निकलेगा वही आपका इनडिफरेंस पॉइंट है, जो एक्स निकले वही इनडिफरेंस पॉइंट, चिल मार के बच्चों। अब सब नालायक इसका फोटो निकल, सब इसका फोटो निकल बच्चों, फोटो निकल बच्चों, फटा निकल बच्चों, फोटो निकल बच्चों, फोटो निकल बच्चों इसका। अब पहले क्वेश्चन फाइव का स्क्रीनशॉट निकालो, अब क्वेश्चन फाइव का निकाले स्क्रीनशॉट, निकाल फोटो निकाल बच्चों, अब इसका इसका बच्चों फोटो निकाल बच्चों, इसका फोटो निकालिए डन। अब भाई साहब इसका फोटो निकालिए डन, निकाला फोटो, अब इसका फोटो निकालिए, दैट्स इट, इट इज द एंड ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर टॉपिक and end of today's session. Thank you so much beta ji for sitting with so much patience. Sade kara bachcho ke fir bhi aapka josh pad abhi tak hai beta ji, thank you so much for this josh. Chalo kal raat ko office milte hain, hum log kal wapas milenge raat ko, theek hai, chale tata bye bye nalak, ab aaram se bachcho rest kijiye, acche se bachcho neend beta lijiye, right na, acche neend beta lijiye beta ji. टेक केयर, ख्याल रखे, अपना बेटा जी, ख्याल रखे अपना, बाय बाय बाय।